नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको रतनगढ़ के जालान बॉयज़ कॉलेज क्रिकेट मैदान का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर सिटी चैम्प्स रतनगढ़ के सुनिजी बबेरवाल के द्वारा आयोजित राजस्थान चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाने वाला है। आज का ये मैच जयपुर की अरावली क्रिकेट क्लब और सालासर के बीच खेला जाएगा। अरावली क्रिकेट क्लब में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आईपीएल खिलाड़ी विवेक यादव खेल रहे हैं, उसके अलावा चार पांच अन्य राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो अंडर 19 राजस्थान के लिए खेलते हैं। वहीं सालासर की टीम भी एक अनुभवी टीम है और एक उम्मीद है कि एक अच्छा मुकाबला होने वाला है। आइए इस टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मैच का अवलोकन करते हैं। किसी भी क्रिकेट में पिच बहुत मायने रखता है। इस समय मैं आपको रतनगढ़ के जालान स्टेडियम का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर राजस्थान चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल आज जयपुर वर्सेस सालासर के बीच खेले जाने वाला है। और मैच शुरू होने से पहले मैं आपको पिच रिपोर्ट देना चाहूँगा। हालांकि ये जो क्रिकेट है ये पिच पे नहीं खेली जा रही है, मैटिंग पे खेली जा रही है। और आप देख रहे हैं जूट का मैट बना हुआ है। और इस पर सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब गेंद नहीं होती है लेदर बॉल, उसमें चिकनी होती है, तो गेंद बहुत तेज़ी से निकलती है और तेज़ गेंदबाजों को यहाँ पर उछाल मिलती है। बैट्समैन के लिए प्लस पॉइंट यह है कि इसमें असमान उछाल नहीं रहता है, लगभग गेंद समानांतर उठती है। अगर ज़्यादा आप इसको बाउंस करेंगे तो सीने तक गेंद उठेगी। और कल के मैच में भी देखने को मिला था कि तेज़ गेंदबाजों को यहाँ पर काफ़ी मदद मिल भी रही थी। और आज चूँकि दूसरा सेमीफाइनल मैच है, टॉस काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कोई भी टीम मैटिंग विकेट पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना ही पसंद करती है, क्योंकि जो टीम बाद में रनों का चेस करती है तो वो अगर एक दो विकेट जल्दी खो दे तो उसमें टीम दबाव में आ जाती है, इसलिए टॉस काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा क्रिकेट यहाँ पर चल रहा है, अच्छे रन भी बन रहे हैं और ख़ास बात यह है कि बिल्कुल फ्लैट विकेट है, इसलिए बल्लेबाजों को काफ़ी मदद भी मिल रही है। कुछ ही देर में दोनों कप्तान पहुँचेंगे और आज के दूसरे सेमीफाइनल का महत्वपूर्ण टॉस होने वाला है और मैं आपको बता दूं, सोमित मिश्रा जो कि जयपुर की टीम के कप्तान हैं और पुजारी जी जो कि सालासर की टीम के कैप्टन हैं। और महत्वपूर्ण टॉस है क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं, कल के मैच में भी हमने देखा जिस टीम ने टॉस जीता था उसने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था। हालांकि वो टीम मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि बैटिंग विकेट है और गेंद गिरने के बाद काफ़ी तेज़ आ रही है। और दोनों एम्पायर पहुँच चुके हैं और टॉस होने वाला है। क्या नाम भाई, नाम क्या? असगर जी सिक्का उछालेंगे और कॉल करेंगे शोभित मिश्रा। हेड कॉल किया है इन्होंने और हेड आया है। जयपुर के कप्तान शोभित ने टॉस जीता है। शोभित क्या करना चाहेंगे? हम बैटिंग करेंगे, पहले बैटिंग करेंगे, क्योंकि सेकेंड इनिंग में चेस करना प्रेशर गेम्स में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम पहले बैटिंग करके 160-170 रन तक का टारगेट देना चाहेंगे ताकि हम फ्रीली खेल सकें। अच्छा, चूंकि आप अरावली से संबंध रखते हैं और मैं देख रहा हूँ विवेक यादव भी आपकी टीम में खेल रहे हैं, और कौन स्टार खिलाड़ी आपकी टीम में जो रणजी उच्च स्तरीय क्रिकेट खेलते हैं? फिलहाल तो विवेक सर ही हैं जो कि अभी इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, और एक दो प्लेयर हैं हमारे पास जो कि 19 कूचबिहार ट्रॉफी के लिए खेल के आए हैं, जस्ट हेमंत जोशी हैं हमारे पास और अशोक शर्मा हैं जो कि अभी 19 क्रिकेट खेल रहे हैं राजस्थान के लिए, तो काफ़ी है अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे। कितने तेज गेंदबाज हैं टीम? टीम में तीन तेज गेंदबाज हैं, एक अशोक शर्मा है, शोभित मिश्रा है और राम चौधरी। और बैटिंग लाइनअप किस टाइप? बैटिंग लाइन हमारे 8 नंबर तक सारे बल्लेबाज ही हैं और काफ़ी टीम में ऑलराउंडर काफ़ी हैं, इसलिए बैटिंग लाइन नीचे तक है हमारी। क्या लगता है कितना स्कोर आपका रहेगा जिसमें आप सालासर को रोक सकते हैं? हम अपनी तरफ से 170-180 बनाने जाएंगे, बाकी देखते हैं बॉलर जिस हिसाब से हमारी बॉलिंग करें। बिल्कुल, आप मैं सुन रहे हैं शोभित मिश्रा जयपुर की टीम के कप्तान, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। मैं बता दूं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विवेक यादव टीम में खेल रहे हैं, अरावली क्रिकेट क्लब की टीम है और चार पांच राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पुजारी से बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है। महत्वपूर्ण टॉस था, टॉस आप हार गए, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं टॉस को? निश्चित तौर से टॉस बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, कम से कम 50% टॉस पर डिपेंड करता है कि मैच कैसा खेला जाना है, लेकिन आज का पहले से टीममेट्स का फैसला था कि पहले टॉस जीत के फील्डिंग ही करें, कोई बात नहीं टॉस हार गए कोई नहीं, लेकिन कम से कम 100-120 पे हम रोकना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह का हमारा बॉलिंग लाइनअप है टूर्नामेंट का अब तक सबसे बढ़िया लग रहा है मेरे को, इस हिसाब से हम 120 या 130 पे सामने वाली टीम को रोकना चाहेंगे। टीम का बैलेंस किस टाइप का है, गेंदबाजी बैटिंग? एंड तक बैटिंग भी है और एंड तक बॉलिंग भी है, बहुत ही संतुलित टीम है, सब ग्रामीण क्षेत्र के लड़के हैं, सो नियमित प्रैक्टिस भी करते हैं, सब अच्छे खेलते हैं, तो कोशिश रहेगी हम अच्छा खेलें और
मैच को बढ़िया। साला सर की टीम के कप्तान काफ़ी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं, कह रहे कि हमारी आखिर तक बैटिंग लाइनअप है और इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी गेंदबाजी हमारे पास है। अब देखते हैं कि मुकाबला किस तरह का रहता है। फिलहाल इस रिपोर्ट के साथ कि आज का दूसरा सेमीफाइनल जयपुर अरावली क्रिकेट क्लब और साला सर के बीच खेला जाने वाला है, जिसमें जयपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है और अब सीधे आपको बॉल टू बॉल मैच का आपको कवरेज दिखाने वाले हैं। टूर्नामेंट के आयोजक सुनील जी पहुँच चुके हैं, मैच शुरू होने वाला है और सभी का अभिवादन कर रहे हैं। और मैच शुरू होने वाला है, जो बैट्समैन स्ट्राइक पे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, आईपीएल के खिलाड़ी हैं विवेक यादव, जो कि दिल्ली डेयर डेविल्स की तरफ से आईपीएल खेल चुके हैं, राजस्थान के रणजी खिलाड़ी हैं। और पहली गेंद भरत की, विवेक को बाउंसर मारा पहली गेंद और नो बॉल का इशारा हुआ, बहुत ज़्यादा बाउंस हुई थी और खाता खुला इसी के साथ जयपुर का। गेंद बल्लेबाज के सर के ऊपर से निकलने वाली गेंद वाइड या नो बॉल होती है, यहाँ पर नो बॉल करार दिया गया था, बहुत ज़्यादा उछाल लिया था गेंद ने। मैंने पिच रिपोर्ट में भी बताया था कि तेज गेंदबाजों की गेंद उछाल लेती है, तेज आती है। भारत की अगली गेंद और चूके ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद पूरी तरह से बीट हुए। इस रिपोर्ट में जैसा मैंने बताया था कि शुरुआत में जब गेंद नहीं होती है तो मेट पर काफ़ी तेज निकलती है और उछाल भी मिलती है, वही हो रहा आप देख रहे हैं। बढ़ गेंद कर रहे हैं विवेक यादव को, राजस्थान के रणजी खिलाड़ी और आईपीएल प्लेयर हैं, दो बार दिल्ली डेयर डेविल्स की तरफ से खेल चुके हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। भारत की अगली गेंद अच्छी गेंद लेग स्टंप के बाहर निकली, इस बार वाइड का इशारा होगा, हालांकि लंबाई गेंद की अच्छी थी लेकिन मुंह होकर गेंद लेग स्टंप के बाहर की तरफ निकली, जिसके नतीजे में वाइड करा दिया गया और दो रन बन चुके हैं जयपुर अरावली क्रिकेट क्लब के। दोनों अतिरिक्त रन है, एक नो बॉल एक वाइड से। पहला ओवर है, जयपुर ने टॉस जीतकर बैटिंग का निर्णय लिया है। अगली गेंद अच्छी गेंद रक्षात्मक पुछ गया, तेज कदमों से एक रन पूरा कर रहे हैं इस पहले एम्पायर के सामने खेलकर, और बल्ले से निकलने वाला पहला रन और स्कोर पहुंचा जयपुर का 3 रन। सुहावना मौसम है इस समय, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, तेज चटक धूप खिली हुई मैदान पर, हल्की हल्की ठंडी हवा चलती हुई, क्रिकेट के अनुकूल मौसम है। इसी बीच भरत एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, विकेटों पर पहुंचे गेंद की अच्छी गेंद थी, बल्ले का किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन की तरफ जा रही है, फील्डर दौड़ते हुए जा रहे हैं गेंद को रोकने के लिए, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन आसानी से पूरा किया, एक रन के सहारे जयपुर का स्कोर पहुंचा 4 रन बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर चल रहा है, जयपुर टॉस जीतकर बैटिंग कर रहा है सालासर के खिलाफ। अगली गेंद अच्छी गेंद है, बहुत खूबसूरती के साथ फ्लिक किया, और जब तक स्क्वेयर लेग के सामने आकर फील्डर गेंद को फील्ड करते चहलकदमी करते हुए एक रन पूरा किया। आक्रामक फील्डिंग लगा रखी है, विकेट कीपर के अलावा स्लिप और फाइन लेग पर कोई फील्डर नहीं है, विकेट के पीछे एक थर्ड मैन एक फाइन लेग है जो कि बाउंड्री लाइन पर है। हवा में खेला गया, इनको मिड ऑन की तरफ गेंद जा रही है, जब तक फील्डर आएंगे इनको फील्ड करें, एक रन फिर पूरा किया। फील्डिंग इस समय विकेट कीपर एक थर्ड मैन एक शॉर्ट मिड विकेट एक मिड ऑन, ऑफ साइड में आप देख रहे हैं पूरा सर्किल बना रखा है, एक गली एक पॉइंट एक कवर एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। इसी बीच अगली गेंद अच्छी गेंद, हल्के से पुश करके तेज कदमों से एक रन पूरा कर रहे हैं, एक बार फिर से मिडोन की फील्डर ने गेंद को उठाया फील्ड किया, एक रन आसानी से पूरा हुआ, ओवर समाप्त हुआ इसी के साथ। एक ओवर की समाप्ति पर जयपुर का स्कोर 7 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल है, कल गंगानगर फाइनल में पहुंच चुकी है, आज के मैच की विजेता टीम फाइनल में कल गंगानगर से मुकाबला करेगी। फिलहाल विवेक यादव सामना करेंगे। दूसरे ओवर की पहली गेंद हल्के से मिड ऑन की तरफ निकाल दिया है और एक आसान रन फिर पूरा किया। एक बार फिर गेंदबाज तैयार, 8-10 कदमों का रनअप दौड़ते हुए आए, रनअप चुके वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए। दूसरा ओवर इस समय चल रहा है, पारी का दूसरा ओवर शुरू हो चुका है। अगली गेंद ओ बहुत अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद पूरी तरह से चुके बल्लेबाज खेलने के प्रयास में, अंदर आई थी, विवेक यादव पूरी तरह से चुके। विवेक यादव नहीं है, शोभित इस समय है जो कि कप्तान है जयपुर के, वो स्ट्राइक पे हैं, विवेक यादव नो स्ट्राइक एंड पे हैं। अगली गेंद
बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर पूरी तरह से चुके खेले के प्रयास में, शानदार गेंदबाजी, स्टंप पे दिशा रखे हुए हैं। विनय बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पारी का दूसरा ओवर विनय फेंक रहे हैं और शोभित को लगातार परेशान कर रहे हैं। शोभित मिश्रा जयपुर के कप्तान एक बार फिर खेलने के लिए तैयार, और अब देखिए दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है, स्लिप लगाई गई है एक, जिस तरह से स्टंप पे बीट हो रहे हैं, अच्छी कप्तानी कहूंगा मैं इसे। अगली गेंद, अच्छी गेंद, हल्के से खेल दिया गेंद को पॉइंट की तरफ, तेज कदमों से एक रन पूरा करें, जब तक फील्डर आए गेंद को फील्ड करें, आसानी से रन पूरा किया, स्कोर दोंको में पहुंचा 10 रन बिना किसी नुकसान के। और अब विवेक यादव सामना करेंगे विनय का, और विवेक यादव के लिए भी स्लिप लगा रखी आप देख रहे हैं। अगली गेंद और बल्ले का बारी किनारा लेकर आ रही है गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, बल्ले का बाहरी किनारा लिया था, विकेट कीपर के ऊपर से गेंद तेज गति से बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई, पहला चौका इस पारी का, दूसरा ओवर चल रहा है। विनय एक बार फिर विवेक यादव को, अच्छी गेंद इस बार, पूरा सम्मान दिया, रक्षा ढंग से पुश किया, मिडोन की तरफ गेंद गई, रन बनाने का कोई मौका नहीं। दो ओवर समाप्त हो चुके हैं, दो ओवर की समाप्ति पे जयपुर का स्कोर है 14 रन बिना किसी नुकसान के। भरत आ रहे हैं पारी का तीसरा ओवर करने के लिए, शोभित सामना करेंगे, बहुत खूबसूरती के साथ मिडोप की तरफ धकेला गेंद को, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक आसान रन दौड़कर पूरा किया, 1 रन के सारे स्कोर पहुंचा 15। भरत एक बार फिर आई गेंद की, और बहुत ही शानदार मिड विकेट की तरफ निकाल दिया गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, बेहतरीन शॉट, बहुत ही आक्रामक स्ट्रोक था, ठीक मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर निकाल दिया गेंद को 4 रनों के लिए, और एम्पायर ने इशारा दिया है 6 रनों का, गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी है, चौके को छक्के में तब्दील कर दिया है, 6 रन थे ये, शानदार शॉट था ये, विवेक यादव का शानदार शॉट था ये, आईपीएल प्लेयर हैं, शानदार छक्का था ये, मिड विकेट के ऊपर से उछाल के मारा था गेंद को, छक्के के साथ स्कोर पहुंच चुका है 21 रन। विवेक यादव सामना करेंगे भरत का, अच्छी गेंद, हल्के से गला, तेज कदमों से 1 रन पूरा करते हुए आराम से, तीसरा ओवर चल रहा है, 22 रन बन चुके हैं, और अब शोभित सामना करेंगे भरत का, ऑफ्टम के बाहर गेंद को निकाल दिया, बहुत ही सुंदर एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, बेहतरीन शॉट, एक कदम बाहर निकाला, ऑन द राइज खेला खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। शोभित मिश्रा का बहुत खूबसूरत शॉट था ये, पहली बाउंड्री उनके बल्ले से निकली। भरत की अगली गेंद, ड्राइव किया लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर मिड विकेट पे, कोई रन नहीं मिलेगा। चौका लगाने के बाद शोभित मिश्रा भी पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। भरत एक बार फिर तैयार दूर वाले छोर से, प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, शोभित सामना करेंगे अब, अच्छी गेंद, एक बार फिर से निकाल दिया गेंद को, और वहां पर डीप कवर में फील्डर मौजूद था, इसी बीच 1 रन पूरा किया गया, ठीक है साथ तीसरा ओवर समाप्त हुआ, स्कोर है 27 रन बिना किसी नुकसान के, बहुत अच्छी शुरुआत जयपुर की, 9 का औसत चल रहा है। विनय गेंद करेंगे शोभित मिश्रा को, अच्छी गेंद, रक्षात्मक ढंग से पुश कर दिया, अच्छी गेंद थी इस बार, पूरा सम्मान दिया बल्लेबाज ने। पारी का चौथा ओवर चल रहा है, 27 रन बिना किसी नुकसान के, अरावली क्रिकेट क्लब जयपुर सालासर के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल मैच में। विनय शोभित को, वो बहुत अच्छी गेंद इस बार, हिट करना चाहते थे, ब्लाइंड हिट करना चाहते थे, गेंद की उछाल से चकमा खा गए, अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर, लगभग कमर की ऊंचाई से ज्यादा उठी और कोई रूम नहीं मिला स्ट्रोक लगाने का बैट्समैन को। बहुत सुहावना मौसम, तेज चटक धूप खिली हुई, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, इसी बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, चूके इस बार, कट करना चाहते थे, पूरी तरह से चूके इस बार, अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर उछाल लेते हुए। विनय बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बार फिर आए विकेट पे पहुंचे, गेंद की बोल्ड कर दिया, शानदार गेंद, तेज गति की गेंद थी, लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और गिल्लियां उड़ा दी इस बार, और कप्तान शोभित मिश्रा क्लीन बोल्ड होकर जा रहे हैं पेवेलियन की तरफ, शानदार बेहतरीन गेंद थी, और पहले विकेट का जश्न मना रहे हैं यहाँ पर सालासर के सारे खिलाड़ी, शानदार गेंदबाजी, आप देख रहे हैं विकेट डाउन हो गया रेलवे के सिग्नल की तरह, सफलता मिल चुकी है सालासर को,
बहुत अच्छी गेंद, इस बार मोड़ दिया कलायु के सारे गेंद को, वाइड मिड ऑन की तरफ, एक रन आसानी से पूरा किया। क्रीज पर नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के कबू बल्लेबाज हैं, विनय का सामना कर रहे हैं। विनय आए गेंद की, बहुत अच्छी गेंद, अपील हुई है, पेड़ पे टकराई है गेंद, और जब तक कवर्स में गेंद को फील्ड किया जाता, एक रन आसानी से पूरा किया, लेग बाई का रन था ये। चार ओवर की समाप्ति, स्कोर 28 रन एक विकेट के नुकसान पर। अच्छा ओवर पिछला ओवर, जिसमें पहली सफलता मिली सालासर को। शोभित जो कि कप्तान थे, बोल्ड होकर पवेलियन जा चुके हैं। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन किया गया, तेज गेंदबाज दिलशान को लाया गया है गेंदबाजी के लिए। पिछले मैच के अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज भी पिछले मैच के हीरो, जो मैन ऑफ द मैच रहे थे, 28 रन अब तक बने हैं। हेमंत सामना करेंगे दिलशाद का, ड्राइव कर दिया गेंद को आते ही एक्स्ट्रा कवर की तरफ। इसी बीच नो बॉल का इशारा हुआ, एक रन भी दौड़कर पूरा किया गया है। काफी ऊंची थी नतीजा, नो बॉल, फ्री हिट है, तो पूरी आजादी है अब हेमंत को, और अब फ्री हिट है क्योंकि नो बॉल थी, और हेमंत के लिए पूरा मौका है दुर्व्यवहार करने का। दिलशाद आई गेंद की, ड्राइव कर दिया, चार रन के लिए गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए, पूरा फायदा उठाया फ्री हिट का। बेहतरीन खूबसूरत शॉट था हेमंत का, दन दनाती गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई चार रन के लिए। इस चौके के साथ अरावली क्रिकेट क्लब जयपुर का स्कोर पहुंचा 34 एक विकेट के नुकसान पर। शोभित मिश्रा आउट होकर जा चुके हैं। तो दिलशाद काफी महंगे इस समय साबित होते हुए, दिलशाद आई गेंद की, ड्राइव किया गेंद को, लेकिन एक बार फिर वहां पर फील्डर मौजूद, कोई रन ही। दिलशान हेमंत को गेंद करेंगे, आए गेंद की, बहुत शानदार गेंद, तेज गति की गेंद, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ऑफ स्टंप पे गिरकर बाहर निकली, और पूरी तरह से चूके खेलने के प्रयास में बल्लेबाज हेमंत, शानदार गेंदबाजी। इस समय दिलशान आए गेंद की, बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का बारी किनारा लेकर गेंद जा रही थर्ड मैन की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद, दौड़कर एक रन पूरा किया गया। स्कोर एक रन के सारे पहुंचे 34 रन एक विकेट के नुकसान पर। पारी का पांचवां ओवर इस समय चल रहा है, और अब आईपीएल और राष्ट्रीय खिलाड़ी विवेक यादव सामना करेंगे, जो कि एक शानदार छक्का भी लगा चुके हैं। और विवेक यादव के लिए, जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, दिलशान ओवर द विकेट आ रहे हैं। दिलशाद ने दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म ओवर द विकेट, आई गेंद की, ड्राइव किया, खूबसूरत सेट ड्राइव, देखते हैं रोक पाते नहीं, लेकिन वहां पर गेंद ज्यादा तेज गति से नहीं जा रही थी, मिडो पर आसानी से गेंद को रोका गया, एक रन दौड़कर विवेक यादव ने पूरा किया। स्ट्रोक अच्छा था, लेकिन शॉट में ज्यादा तेजी नहीं थी। इसी बीच अगली गेंद, और बल्ले का बारी किनारा लगा है, थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है, लेकिन नहीं, कैच का प्रयास नहीं किया उन्होंने, फील्डर ने प्रयास नहीं किया लपकने का, चौका बचाने का प्रयास किया, और सफल रहे चौका बचाने में। पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 35 रन एक विकेट के नुकसान पर जयपुर सालासर के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। विनय विवेक यादव को फ्लिक कर दिया गेंद को मिड विकेट की तरफ, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक रन आसानी से पूरा किया। रन नहीं लिया गया था इस बार, माफी चाहता हूं। ओवर पिच गेंद हवा में खेला, और ये वहां पर शानदार कैच का मौका गंवा दिया, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई चार रन के लिए। आसान कैच था, हाथ में आकर निकल गई गेंद, और सीमा रेखा के बाहर, जहां पर बल्लेबाज को आउट होना चाहिए था, वहां पर चार रन मिले, खराब फील्डिंग। चार रन के साथ जयपुर का स्कोर पहुंचा 39 रन एक विकेट के नुकसान पर। आसान मौका था मिड ऑन पर, और विवेक यादव को यहां पर जीवनदान मिला है, और ये गलती बहुत महंगी पड़ सकती है सालासर के लिए, क्योंकि विवेक यादव जैसे खिलाड़ी को जीवनदान देना आबेल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ करता है। इन्हें की अगली गेंद, और ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, कोई मौका नहीं, फील्डर गेंद के पीछे जरूर दौड़ रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे गेंद, चार रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। लगातार दो चौके, पहले जीवनदान मिला था, चार रन मिले, अगली गेंद पर
पूरा फायदा उठाया जीवन दान का, रिकॉर्ड चौका जड़ दिया विवेक यादव ने, पूरे आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं रणजी। और आईपीएल खेलना कोई तुक्का नहीं होता है, आप में प्रतिभा होती है तभी खेल पाते हैं, और विवेक यादव दिखा रहे हैं इसमें बहुत टैलेंट है, बहुत प्रतिभा है। विवेक यादव एक बार फिर विनय का सामना करने के लिए तैयार। आई गेंद की अच्छी गेंद, इस बार सीने की ऊंचाई तक उठी, हल्के से खेला, तेज कदमों से एक रन पूरा करते हुए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, पास में खेला था लेकिन फील्डर चूंकि पीछे थे उसका पूरा फायदा उठाया, ओवर समाप्त हुआ इसी के साथ। बाई हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड द विकेट आ रहे हैं विनय, बहुत अच्छी गेंद थी, स्टीयर कर दिया गेंद को थर्ड मैन की तरफ, जब तक फील्ड किया जाता है एक रन पूरा किया। इस समय 45 रन बने हैं 6 ओवर की समाप्ति पर, जयपुर के सालासर के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में रतनगढ़ के जालान बॉयज कॉलेज ग्राउंड का नजर आप देख रहे हैं। राजस्थान चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल सालासर जयपुर के बीच खेला जा रहा है, आज की विजेता टीम कल फाइनल में गंगानगर से खेलेगी। सिटी चैंप के सुनील जी बबेरवाल के द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, विजेता टीम को 51,000 रुपये और उप विजेता टीम को 21,000 रुपये मिलेंगे ट्रॉफी के साथ। और अब गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से दिलशानी, गेंद हल्के से खेल दिया गेंद को, तेज कदमों से एक रन आसानी से पूरा किया, कवर्स में खेला था गेंद को, स्कोर पहुंचा 46 एक विकेट के नुकसान पर। दिलशान एक बार फिर दूर वाले छोर से गेंद करेंगे विवेक यादव को, मोर द विकेट, आई गेंद की बहुत अच्छी गेंद, हल्के से पुश किया बैक टू द बॉलर, कारपेट के सारे लुढ़कते हुए गेंद गेंदबाज के पास पहुंची, फलोत्र में गेंद को उठाया, फील्ड किया, वापिस चले अपने बॉलिंग मार्क पर। धार्मिक नगरी रतनगढ़ का पूरा माहौल क्रिकेट में हो रहा है, इसी बीच दिलशान आई गेंद करने के लिए, अच्छी गेंद, बहुत कलात्मक ढंग से खेला था लेकिन एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं, सीधे फील्डर के पास ही खेला था, प्लेसमेंट नहीं था इस बार। इस समय तेज सर्दी का दौर चल रहा है लेकिन आज मौसम बहुत सुहाना, तेज चटक धूप खिली हुई, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, क्रिकेट के अनुकूल वातावरण है पूरी तरह से। दिलशान की अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, चुके विवेक यादव इस बार खेलने के प्रयास में, दिलशान जो कि सुजानगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, एक बार फिर आई गेंद करने के लिए, ड्राइव किया इस बार गेंद को लेकिन होगा फिर से मिड विकेट पे फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। टाल अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी दोनों देखने को मिल रही है, एक कैच भी टपकाया है सालासर के खिलाड़ी ने क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ा था, विवेक यादव जैसे खिलाड़ी का कैच छोड़ा गया था। दिलशान विवेक को अच्छी गेंद, बल्ले का बारी किनारा लिया था लेकिन कैरी नहीं किया, गली में खड़े फील्डर के सामने आकर गिरी थी गेंद। 7 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर है 46 रन एक विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग में पहला दूसरा परिवर्तन हो रहा है, आदित्य जो कि स्पिनर है उनको लाया जा रहा है, लंबे गत के गेंदबाज लेफ्ट आर्म है, राउंड द विकेट आ रहे हैं, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी गेंद बाहर निकलती हुई, पूरी तरह से चुके बल्लेबाज। आदित्य की अगली गेंद और बैकफुट पर के खेल दिया, गेंद जा रही है बहुत खूबसूरती के साथ सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पुल कर दिया था गेंद को लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच 6 रनों के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज हेमंत का शानदार शॉट, 50 रन पूरे हो चुके हैं, कुल स्कोर 52। अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में डाला, आदित्य गेंद करेंगे हेमंत को, अच्छी गेंद बैक निकाल दिया गेंद को, कवर बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है जहां तो फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से मिला। और मेरे साथ स्कोर जनाब एक बार फिर से आदित्य, लंबे गत के बाएं हाथ के खबू गेंदबाज, सामना करेंगे विवेक यादव को, आईपीएल प्लेयर खेलने के लिए तैयार। और ब्लॉक होल में डाला फिर से, लेग स्टंप के बाहर दिशा भटकी हुई गेंद थी, वाइड का इशारा एम्पायर का, एक्स्ट्रा के साथ स्कोर पहुंचा 54 रन। और एक स्लिप लिया है आदित्य ने, आप देख रहे हैं स्लिप में खेल रहे हैं। अगली गेंद और बैकफुट पे आके खेल दिया गेंद को, मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है, दो दो फील्डर आ रहे हैं और जब तक गेंद को फील्ड किया चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया, एक रन के सारे स्कोर पहुंचा 57। दाएं हाथ और बाएं हाथ के बल्लेबाज अब क्रीज पे होते हैं तो फील्डरों को और एम्पायर को बार बार अपनी जगह बदलनी पड़ती है। आदित्य खबू बल्लेबाज हेमंत को,
अच्छी गेंद, बोल्ड कर दिया इस बार, शानदार गेंदबाजी। आप देख रहे हैं यहाँ पर अब तीन की जगह दो ही विकेट खड़े हैं। बहुत अच्छी अंदर जाती हुई गेंद थी, हल्के से शेयर करना चाहते हैं, देवल्ले को चकमा देती हुई गेंद जाकर विकेटों से टकराई और दूसरा विकेट गिरा यहाँ पर अरावली क्रिकेट क्लब जयपुर का। अद्वैत की शानदार गेंदबाजी, सालासर ने अच्छी वापसी की है, दो विकेट गिर चुके हैं, जयपुर के रनों के औसत को भी नीचे गिराया है थोड़ा। अच्छी गेंद थी, नए बल्लेबाज आए हैं, गेंदबाजी में भी परिवर्तन, जाहिर आए हैं गेंदबाजी के लिए। विवेक सामना कर रहे हैं, ड्राइव किया गया इनको खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ की तरफ जहां पर फील्डर मौजूद, एक रन मिलेगा। इस समय स्कोर है 56, दो विकेट के नुकसान पर जयपुर का। जाहिर आई गेंद की, विवेक को अच्छी गेंद, हल्के से पुश किया, एक रन के लिए राम थे, माफी चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर फील्ड किया था, खेल गेंद को खेला था और यहाँ पर एक अपील हुई रन आउट की, लेकिन एम्पायर ने नकार दिया। जाहिर विवेक को लेक्सन के बाहर, दिशा भटके इस बार और वाइड का इशारा एम्पायर ने दिया। नवा ओवर चल रहा है, स्कोर है 58 रन, दो विकेट के नुकसान पर जयपुर का। जाहिर गेंद करेंगे विवेक यादव को, आई गेंद की, ड्राइव किया इस बार लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, एक रन फिर पूरा किया। अगले गेंद हवा में, आसान सा कैच, कॉट एंड बोल्ड कर दिया, अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई और सीधा खेल दिया था गेंदबाज के हाथों में और राम आउट होकर जा रहे हैं। जाहिर ने सफलता अर्जित की, निराश, बहुत ही खराब लूज शॉट खेला था उन्होंने। मैंने जैसा कहा था कि सालासर ने वापसी की है यहाँ पर, 58 पे तीन विकेट गिर चुके हैं जयपुर के। रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं, जालन बॉयज कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पर इस समय सिटी चैंप्स के द्वारा आयोजित राजस्थान क्रिकेट चैंपियनशिप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। पारी का 9 ओवर चल रहा है, इस समय स्कोर है जयपुर का 58 रन, तीन विकेट के नुकसान पर। एक समय जयपुर काफ़ी मजबूत स्थिति में था, लेकिन अब सालासर गेंदबाजों ने वापसी की है, जल्दी जल्दी दो विकेटें प्राप्त की हैं और रनों के औसत को भी कुछ हद तक कम किया है। मैं बता दूं, टॉस जीता था इस मैच में जयपुर के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था और 9 ओवर इस समय प्रगति पर है। अभी भी एक विकेट गिरा है, ड्रिंक्स मैदान पर है और ड्रिंक्स के बाद खेल पूरा शुरू हो रहा है। अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, चूके पूरी तरह से खेलने के प्रयास में, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, शानदार गेंदबाजी। ओवर खत्म हो चुका है, आदित्य आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 58, तीन विकेट के नुकसान पर। आदित्य की अगली गेंद, अच्छी गेंद, योर कराने का प्रयास किया था, क्लाइम के सारे मोड़ा गेंद को स्क्वायर की तरफ, लेकिन फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। इस समय आप देख रहे हैं एक स्लिप है, एक पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑन आप देख रहे हैं, बहुत दूर वो फील्डर नजर आ रहा है, एक डीप मिड विकेट पे हैं, ये फील्डिंग है, नजदीकी फील्डर में एक स्क्वायर लेग है, स्लिप पॉइंट कवर, ये नजदीक फील्डर है। फुल टॉस बनाकर गेंद को निकाल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री की, दो फील्डर आ रहे हैं गेंद को रोकने के लिए। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है लॉन्ग ऑन पर, एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए। पारी का 10वां ओवर फेंका जा रहा है, स्कोर है 60 रन, तीन विकेट के नुकसान पर जयपुर का। अगली गेंद, ड्राइव किया, खराब गेंद थी, गेंद जा रही है सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए, फुल टॉस गेंद थी, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर निकाल दिया चार रनों के लिए। विवेक यादव सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक छक्का भी लगा चुके हैं। अगली गेंद, ओ अच्छी गेंद, इस बार हल्के से पुश किया, 64 रन बन चुके हैं, अच्छी गेंद, हल्के से मोड़ दिया गेंद को स्क्वायर लेग एम्पायर की बगल में जाकर, जब तक फील्डर गेंद को रोकते, एक रन पूरा किया गया। दूसरा सेमीफाइनल जो कि जयपुर और सालासर के बीच खेला जा रहा है, आदित्य गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे आईपीएल प्लेयर विवेक यादव। ओवर पिच गए, निकाल दिए, मैं नहीं समझता रोक पाएंगे, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे जा रहे हैं, बाउंड्री के बाहर, चार रन के लिए। बहुत खराब गेंद थी और विवेक यादव जैसे खिलाड़ी को ऐसी गेंद फेंकना आबेल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ करता है। 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 11 ओवर लेकर जाहिर आ रहे हैं, देवेंद्र सामना करेंगे उनका।
अच्छी गेंद, धकेल दिया गेंद को, लॉन्ग ऑन से फील्डर आ रहे हैं गेंद को फील्ड करने के लिए। इसी बीच एक रन आसानी से पूरा किया गया, स्कोर है 70 रन। सत्तर रन 3 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद चुके इस बार खेलने के प्रयास में, पारी का 11वां ओवर फेंका जा रहा है, 70 रन स्कोर है। अगली गेंद, ड्राइव किया गेंद को, लॉन्ग ऑन के फील्डर दौड़ते हुए आ रहे हैं गेंद को रोकने के लिए। एक रन बनाने का आसान सा मौका बैट्समैन के पास। जाहिर एक बार फिर आए गेंद की, बहुत अच्छी गेंद इस बार, ऑफ स्टंप पर अंदर आती गेंद, और स्टोक को चेक किया इन वक्त, बल्ले को गेंद की लाइन से हटाया बल्लेबाज ने। जाहिर राइट ऑफ द विकेट, ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, लेकिन लॉन्गों पर फील्डर मौजूद और ये मिसफील्ड हुआ, लेकिन दूसरा रन का मौका नहीं था। एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज, एक रन के सारे स्कोर पहुंचा 72 तीन विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर चलता हुआ, जाहिर विवेक यादव को ड्राइव करना चाहते थे, ठीक से बल्ले पर गेंद नहीं आई, इस बार बैक टू द बॉलर खेला, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त, 11 ओवर की समाप्ति पे जयपुर का स्कोर है 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आदित्य 12वां ओवर लेकर आ रहे हैं, देवेंद्र सामना करेंगे आदित्य की गेंद का। आदित्य आए गेंद की, लक्ष्य पर गेंद और अपील कर रहे हैं LBW की, लेकिन एम्पायर कह रहे हैं कि गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी, नकार दिया अपील को। आदित्य एक बार फिर से हेमंत को बैकफुट पे आके खेल दिया गेंद को, मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन आसानी से पूरा किया। 12वां ओवर चल रहा है, T20 मुकाबला है, विवेक यादव खेलेंगे। बहुत शानदार ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए कोई मौका नहीं, फील्डर दर्शक बने देखते रह गए, गेंद गोली की गति से सीमा रेखा के बाहर निकल गई। क्लासिक विवेक यादव स्ट्रोक था, ऑन द राइज खेला एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन स्कोर पहुंचा 77 रन। विवेक यादव बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर आदित्य विवेक यादव को, और स्ट्रेट ड्राइव बॉलर के ऊपर से गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, लगातार दूसरा चौका विवेक यादव का, सचिन तेंदुलकर अंदाज में स्ट्रेट ड्राइव किया था इस बार साइड स्क्रीन के ठीक सामने से गेंद बाउंड्री के बाहर। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए विवेक यादव, IPL प्लेयर, एक बार फिर ड्राइव कर दिया गेंद को, लेकिन इस बार लॉन्गों पर फील्डर के पास गई, मिसफील्ड, बहुत खराब गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, चौकों की हैट्रिक लगा दी है यहां पर विवेक यादव ने। आसान सा मौका गेंद को रोकने का, लेकिन छिटक गई गेंद बाउंड्री के बाहर। हल्के से खेला गेंद को, इसको लेके एम्पायर की तरफ, एक रन आसानी से पूरा किया, फिर स्ट्राइक आ गई है विवेक यादव के पास, क्योंकि ओवर समाप्त हो चुका है। आखिरी गेंद पर विवेक यादव ने एक रन लेकर स्ट्राइक पुनः अपने पास रख ली है। 12 ओवर की समाप्ति पर जयपुर का स्कोर है 86 रन, और विवेक यादव के इरादे बहुत खौफनाक नजर आ रहे हैं, कहर बरपा रहे हैं बल्लेबाजी में, 3 चौके लगाए थे पिछले ओवर में लगातार। अगली गेंद, बहुत सुंदर ड्राइव, लेकिन फील्डर मौजूद है यहाँ पर थर्ड मैन पर, लेकिन बहुत कलात्मक शॉट था। एक रन के सारे स्कोर पहुंचा 87 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, हल्के से खेला गेंद को मिडोन पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, एक रन आसानी से पूरा किया। विवेक यादव अर्धशतक के बिल्कुल करीब है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, राजस्थान के रणजी खिलाड़ी हैं, IPL खेल चुके हैं। जहीर गेंदबाज आई गेंद की, हल्के से खेला, ठीक से बल्ले पर गेंद नहीं आई और गेंद पहुंची फलोत्रों में गेंदबाज के पास, गेंद को वापस उठाते हुए वापस बॉलिंग मार्क की तरफ जाते हुए। जयपुर की टीम बहुत मजबूत स्थिति में है, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सालासर के खिलाफ, प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल। जहीर विवेक यादव को चुके इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद की, उछाल से चकमा खा गए विवेक यादव। अगली गेंद, ड्राइव किया, और इसी के साथ विवेक यादव का अर्धशतक पूरा हुआ। विवेक यादव के 50 रन पूरे हो चुके हैं, शानदार अर्धशतक IPL प्लेयर विवेक यादव का। सभी खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं और अर्धशतक पर बधाइयां दे रहे हैं साथी खिलाड़ी। बेहतरीन अर्धशतक विवेक यादव का सेमीफाइनल में,
ऑफ स्टंप के बाहर कट कर दिया, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के बाहर, कोई मौका नहीं किसी विकेट के लिए, चार रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। हेमंत के बल्ले से निकला यह खूबसूरत चौका और इसको पहुंचा 93 रन। शानदार बल्लेबाजी जयपुर के बल्लेबाजों की, खासतौर से विवेक यादव की जो अर्धशतक लगा चुके हैं। गेंदबाजी के लिए भारत आ रहे हैं वापिस, ड्राइव किया था लेकिन कवर्स में फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। इस समय स्कोर है 93 रन 3 विकेट के नुकसान पर। भारत विवेक यादव को कट किया लेकिन ठीक से गेंद बल्ले पर नहीं आई, कवर्स में गई, फील्डर मौजूद वहां पर, कोई रन नहीं। भारत गेंद करेंगे विवेक यादव को, कट करना चाहते थे, चुके इस बार पूरी तरह से, ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद, बहुत अनुभवी गेंदबाज है भरत और विवेक यादव की कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। विवेक यादव अर्धशतक लगा चुके हैं। अगली गेंद, बहुत ही शानदार लॉफ्टेड शॉट, जा रही है गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर जब तक फील्डर आए गेंद को फील्ड करें, दूसरा रन पूरा कर रहे हैं। बहुत ऊंचा खेल दिया था वरना ये छक्का हो सकता था, काफी ऊंचाई पर गई थी गेंद और 2 रन दौड़कर पूरे किए गए। विवेक यादव के बहुत ही आक्रामक तेवर अब नजर आ रहे हैं, आंखें जम चुकी हैं, अर्धशतक उनका पूरा हो चुका है। शानदार ऊंचा शॉट खेला था, हालांकि छक्का नहीं लगा, बाउंड्री लाइन के करीब जाकर फील्डर ने गेंद को रोक भी लिया था। अब लग रहा है कि वो अपने हाथ खोल रहे हैं हवाई शॉट खेलने के लिए, और चुके इस बार फिर एक लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए इस बार। भरत विवेक को कट कर दिया है और ये गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, थर्ड मैन की तरफ, 4 रन के लिए। थर्ड मैन के फील्डर को शॉट बना लिया था, स्लिप में बुला लिया था, इसलिए गेंद बाउंड्री के बाहर निकल गई और स्लिप में ये फील्डर थे जिनके पास मौका नहीं था रोकने का। 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है 99 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 100 के करीब पहुंचते हुए। और जैसा कि जयपुर के कप्तान ने कहा था कि हम लगभग 170 के करीब स्कोर बनाना चाहेंगे, देखते हैं जिस तरह से विवेक यादव खेल रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 170 के करीब स्कोर पहुंच जाता है। 14 ओवर की समाप्ति पर 99 स्कोर है। मुझे कप्तान पर थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो स्लिप ले रखा है उन्होंने अभी भी, जबकि ये अब स्लो ओवर्स की तरफ में जा रहा है, थोड़ा वाइड कर दिया स्लिप को गली और स्लिप के बीच की स्थिति पर। बहुत सुंदर शॉट मिड विकेट की तरफ, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। 1 रन के साथ जयपुर के 100 रन पूरे हो चुके हैं, 15वां ओवर चल रहा है, 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब स्ट्राइक पर आ गए हैं विवेक यादव, जो कि बहुत तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो कि इस बार विवेक यादव कट करना चाहते थे, ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए थे विवेक, अभी भी क्रीज पर है। अगली गेंद और निकाल दिया, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर मौजूद, 1 रन के लिए केवल मौका। उन्हें बता दूं दर्शकों को, आज ये दूसरा सेमीफाइनल सिटी जैम्प के सुनील जी बबेरवाल द्वारा आयोजित राजस्थान चैंपियन ट्रॉफी का। अगली गेंद, अच्छी गेंद, हल्के से धकेला गेंद को और लॉन्ग ऑफ की तरफ जाती हुई, 1 रन का मौका पूरा, और यह दूसरा रन पूरा कर लिया दौड़कर, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जैसे देखा फील्डर थोड़ा ढिलाई से आ रहे हैं, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, हिरण के तेज दौड़ लगाई, स्कोर पहुंचा 102 रन 15वां ओवर चल रहा है, लगभग 7 का औसत चल रहा है। जहीर आई गेंद की, ड्राइव किया, कैच छूटा वहां पर, एक हाथ से फॉलो थ्रू में लपकने का प्रयास किया था लेकिन गेंद हाथ से छिटक गई क्योंकि स्ट्रोक में बहुत तेजी थी, कॉन्टेक्ट बोर्ड का मौका गमाया, मुश्किल था, तेज शॉट था। 1 रन के सारे स्कोर पहुंचा 103 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, बैट प्रवाह के खेला गेंद को, लॉन्ग ऑन की जाने की जा रही है, 1 रन आसानी से मिलेगा। विवेक यादव ने 1 रन जुटाया। रतनगढ़ के जालान बॉयज कॉलेज का ये मैदान, 15 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 105 रन, पूरा 7 का औसत चल रहा है। भरत आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, विवेक यादव को गेंद करेंगे, बहुत ही करारा प्रहार, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, एक बाउंस के साथ 4 रनों के लिए, बहुत करारा शॉट विवेक यादव का और चौके के साथ स्कोर पहुंचा 109 रन। विवेक यादव बहुत आक्रामक तेवर दिखाते हुए, दिल्ली डेयर डेविल्स की तरफ से आईपीएल खेल चुके हैं विवेक यादव, राजस्थान के रणजी प्लेयर हैं,
और अपनी ख्याति के अनुरूप बल्लेबाजी कर रहे हैं और दर्शकों का पूरा मनोरंजन कर रहे हैं। जिस खेल को देखने के लिए दर्शक आए मैदान पर, वो खेल विवेक यादव यहाँ पर दिखा रहे हैं। हालांकि मूल रूप से स्पिनर है, मैं दर्शकों को बता दूं ये, और निचिरे इस बार गेंद चुके भरत विवेक यादव को ड्राइव किया, ब्लॉक होल में डालने का प्रयास किया था, एक रन के लिए दौड़ पड़े हैं। भरत आई गेंद की बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर फाइनल पर गेंद गई है और इसी बीच एक रन फिर पूरा किया गया। भरत विवेक यादव को फुल टॉस, खूबसूरती के साथ खेल दिया, गेंद जा रही है दो दो फील्डर के बीच से निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए। फील्डर पहुंच गए थे लेकिन नहीं रोक पाए। शानदार ऑन द राइज खेला गया शॉट, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में खेला था इस बार विवेक यादव ने। एक कदम आगे बढ़ाया, ऑन द राइज खेला, ड्राइव किया गेंद को चार रनों के लिए, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। आईपीएल प्लेयर विवेक यादव और ड्राइव कर दिया, हवा में उछाल के मारा, फील्डर पहुंच रहे गेंद के पास और ठीक बाउंड्री लाइन पर केस लपक लिया गया उनके द्वारा और विवेक यादव की शानदार पारी का अंत हुआ। छक्का लगाना चाहते थे, ठीक बाउंड्री लाइन पर केस लपका गया, एक शानदार पारी विवेक यादव आईपीएल प्लेयर की, अर्धशतक लगाकर आ रहे हैं पेविलियन की तरफ। लाजवाब बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी, खूबसूरत बल्लेबाजी। इक्यासी रन की शानदार पारी खेलने के बाद में आईपीएल प्लेयर विवेक यादव आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज आए हैं पीयूष शर्मा। ये गेंद और घूम के मारा, शानदार शॉट चार रन के लिए, डीप स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर आते ही शानदार शॉट, 119 रन जिसमें से 81 रन अकेले विवेक यादव ने बनाए। आदित्य अच्छी गेंद, रक्षात्मक ढंग से पुश किया इस बार, बैक टू द बॉलर आदित्य एक बार फिर आए, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, हल्के से पुश कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, दो रन लिया जा सकता है इस बार लेकिन एक रन से संतोष किया। पारी का 17वां ओवर चल रहा है, 120 रन स्कोर है इस समय जयपुर अरावली क्रिकेट क्लब का, दूसरे सेमीफाइनल में सालासर के खिलाफ। आदित्य एक बार फिर पीयूष सामना करेंगे जो कि अभी भी आए हैं, पहली गेंद खेलेंगे अपनी, हल्के से खेला गेंद को, रन बनाने का कोई मौका नहीं, स्लिप की तरफ गेंद गई, ये ओवर थ्रो हो गया और इसी के साथ ओवर थ्रो का एक रन दौड़ दिया है और पीयूष ने खाता खोला। अगली गेंद अच्छी गेंद, हल्के से पुश किया, फील्डर तो अभी दूर थे, विकेट कीपर जब तक दाद के गेंद उठाते फील्ड करते, एक रन पूरा किया आदित्य। अगली गेंद अच्छी गेंद, एक रन के लिए जाना था, स्लिप में गेंद झपट रहे थे, फील्डर वापस लौट गए। 17 ओवर की समाप्ति हो चुके हैं, 122 रन चार विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर है। पारी के आखिरी तीन ओवर बाकी रहे हैं, देखते हैं अब जयपुर के बल्लेबाज किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल मेरा जो अनुमानित स्कोर है इस समय 160 के करीब लग रहा है, देखते हैं जयपुर के बल्लेबाज कहां तक अपने स्कोर को लेके जाते हैं। अच्छा मौका है वैसे क्योंकि विकेट भी हाथ में काफ़ी बाकी है, तीन ओवर बाकी है। गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है दिलशान को, देवेंद्र सामना करेंगे दिलशान का। दिलशान दौड़ते हुए आए, विकेटों पे पहुंचे, गेंद की ड्राइव किया इस बार लेकिन कवर्स पे फील्डर मौजूद है, एक रन देना चाहते हैं, वापस भेजा गया, अच्छी फील्डिंग वहां पर। स्लो बॉलर्स चल रहे हैं और अब तेज हिटिंग करनी होगी क्योंकि विकेटें भी हाथ में है जयपुर के पास। अरावली क्रिकेट अकेडमी जयपुर की टीम इस समय बैटिंग कर रही है सालासर के खिलाफ, तीन ओवर का खेल बाकी है। दिलशान देवेंद्र को गेंद करेंगे, 122 रन स्कोर है इस समय। आई गेंद की ड्राइव, वाह सुंदर ड्राइव, खूबसूरती के साथ गेंद जा रही है लोंगों के ऊपर से, छह रनों के लिए, एम्पायर का इशारा छह रनों का, बहुत क्लासिक अंदाज था ये, बहुत खूबसूरती के साथ खेला, बहुत ही शानदार शॉट था, खूबसूरती के साथ खेला गया शॉट, कॉपी बुक अंदाज में बिल्कुल सीधे बल्ले के सहारे लोंगोप के ऊपर से उछाल के मारा, शानदार छक्का था ये देवेंद्र का, 128 रन पहुंचा है। और मैं पहले कह चुका हूँ स्लो बॉल चल रहे हैं, अब इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी जयपुर को क्योंकि छह विकेट हाथ में अभी भी, अक चुके इस बार कट करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, छकाया बल्लेबाज को इस बार दिलशान ने।
दिलशान। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क से दौड़ना शुरू किया। देवेंद्र को गेंद करेंगे, आई गेंद की, ड्राइव किया, फिर से हवा में उछाल दिया है गेंद को वहां पर, लेकिन फील्डर थोड़ा पीछे थे, कैच का चांस नहीं था। एक रन दौड़कर इसी बीच पूरा किया गया। पीयूष शर्मा सामना करेंगे दिलशान की गेंद का, बहुत शानदार शॉट मिड विकेट की तरफ, कोई फील्डर नहीं, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, चार रन के लिए कोई मौका नहीं था लॉन्ग ऑन के फील्डर के लिए, नहीं पहुंच पाए गेंद तक। बहुत सुंदर हैमर शॉट था इस बार पीयूष शर्मा का, चौके के साथ स्कोर पहुंच चुका है 133 रन, चार विकेट के नुकसान पर। पीयूष बहुत सुंदर शॉट खेलने के बाद पूरे आत्मविश्वास में लबरेज। दिलशान की अगली गेंद, बहुत बढ़िया बोल्ड कर दिया, इस बार योग कर दिया, ब्लॉक होल में डाला और बैट्समैन के पास कोई चारा नहीं था, गिल्लियां उड़ा दी। शानदार गेंद थी दिलशान की। पीयूष शर्मा बोल्ड होकर जा रहे हैं पहले इनिंग तरफ, क्लीन बोल्ड कर दिया, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। 18 ओवर समाप्त हो चुके हैं, आखिरी दो ओवर का खेल बाकी। विनय को गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा गया है और सामना करेंगे देवेंद्र, जिन्होंने बहुत सुंदर शॉट लगाए थे पिछले ओवर में, एक छक्का और एक चौका। देवेंद्र सामना करेंगे विनय का, बहुत अच्छी गेंद, अपील लेकिन नकार दिया एम्पायर ने, ब्लॉक होल में थी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, पेड़ पे जाके टकराई, जोरदार अपील हुई थी, बहुत नजदीकी मामला था, लेकिन यहाँ पर थर्ड एम्पायर की सेवाएं नहीं है, इसलिए बेनिफिट ऑफ द डाउट का यानी संदेह का फायदा बल्लेबाज को मिला, क्योंकि क्रिकेट में नियम है बेनिफिट ऑफ द डाउट बैट्समैन के पक्ष में होता है। तो अब सामना करेंगे अशोक, अशोक सामना करेंगे, अभी आए क्रीज पर, ड्राइव किया, सुंदर शॉट, जा रही गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए स्कोर जा पहुंचा 138 रन। 19वां ओवर चल रहा है, लास्ट सेकेंड ओवर ऑफ द इनिंग। अगली गेंद, ड्राइव कर दिया गेंद को, ठीक से बल्ले पर नहीं आई है, मिड विकेट की तरफ गेंद गई है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता चहलकदमी करते हुए एक रन पूरा किया गया। ये गेंद और ये कैच छूटा, यहाँ पर कॉट बिहाइंड का मौका था, विकेट कीपर के द्वारा टपका दिया गया, बल्ले का किनारा लगा था और दौड़कर एक रन पूरा किया गया। विकेट कीपर से जैसे गेंद मिस हुई, दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े एक रन के लिए, कॉट बिहाइंड का मौका गंवा दिया, जीवनदान मिला यहां पर बल्लेबाज को। देवेंद्र जो कि खतरनाक बल्लेबाज हैं, उनको आखिरी क्षणों में ये जीवनदान मिल गया है। अगली गेंद, ड्राइव किया है एक बार फिर, बहुत सुंदर एक्स्ट्रा कवर ड्राइव और ये फिर मिसफील्ड हुआ गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रन के लिए। जैसा मैंने अनुमान लगाया 160 के करीब स्कोर जा सकता है, मुझे लग रहा है कि 160 से ऊपर ही जाएगा स्कोर, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है उसमें कोई संदेह नहीं है मुझे कि स्कोर इससे ऊपर जा सकता है। स्कोर जा पहुंचा 144 रन, लास्ट सेकेंड ओवर, 19वां ओवर चल रहा है, अशोक सामना कर रहे हैं। ये गेंद बहुत अच्छी यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, एक रन के लिए दौड़ पड़े हैं, सही वक्त पर बल्ले को नीचे लाते हुए विकेटों से दूर खदेड़ा गेंद को, शानदार गेंद, ओवर समाप्त हुआ। स्कोर 19 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है इस समय 145 रन, यानी 15 रन बनाए तो 160 पहुंच सकता है। दिलशान आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी गेंद अंदर आती हुई, पूरी तरह से छकाया बल्लेबाज को, आखिरी ओवर में अच्छी गेंदबाजी, स्कोर अभी भी 145 रन है। निश्चित रूप से आखिरी ओवर में अच्छी शुरुआत की कि पहली गेंद को अंदर की तरफ लाए और बल्लेबाज को छकाया पूरी तरह से। लंबे कद के बल्लेबाज अशोक सामना करेंगे दिलशान का, ये गेंद ड्राइव कर दिया गेंद को, लेकिन बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद है, दूसरा रन चाहते हैं लेकिन मना किया गया, एक रन से संतुष्ट। स्कोर पहुंचा 146 रन, चार गेंदें बाकी है इस पारी की और अब आक्रामक बल्लेबाज हेमंत। अशोक के हर छक्के में 100 रुपए शोभित मिश्रा की जानिब से। तो अब देवेंद्र, अगली गेंद दिलशान आए गेंद की,
भले कबारी किनारा लेकर गेंद आ रही है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। अगली गेंद ड्राइव किया, बहुत सुंदर शॉट हवा में है लेकिन फील्डर थोड़ा पीछे थे। एक रन पूरा किया, 150 रन पूरे हो चुके हैं। अगली गेंद के लिए तैयार दिलशान, सामना करेंगे अशोक। आई गेंद की ड्राइव कर दिया गेंद को, दूर से फील्डर आ रहे हैं, देखते हैं दो रन लेते हैं पंजी और ये तेज कदमों से दूसरा रन पूरा कर रहे हैं और दो रन पूरे कर लिए और फिर से और थ्रो आ, तीसरा रन भी दौड़ रहे हैं। फील्डिंग में ढिलाई का फायदा उठाया बल्लेबाजों ने, एक रन शॉट घोषित कर दिया गया है, दो रन मिलेंगे। स्कोर जा पहुंचा 153 रन, 153। ये गेंद और फुल टॉस गेंद थी, तेज कदमों से एक रन के लिए जा रहे हैं, रन आउट की अपील वहां पर। और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हो चुका है, 20 ओवर का खेल खत्म हुआ। 154 रन बनाए हैं, यानी 155 रनों का लक्ष्य रखा गया है सालासर के लिए मैच जीतने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय दर्शक राजा राम जरोड़ा आज सुजानगढ़ से मैच देखने के लिए आए हैं और मैं अंतर्राष्ट्रीय इसलिए कह रहा हूं कि भारत की टीम जब राजस्थान में, दिल्ली, हरियाणा में कोई भी मैच खेलती है अंतर्राष्ट्रीय तो आप देखने के लिए जाते हैं। एक बार टीवी पर इनको हाईलाइट भी किया गया है और आजकल दर्शकों का भी जमाना है क्योंकि सचिन धोनी के जो प्रशंसक दर्शक हैं उनको बहुत प्रायोजित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राजा राम जी भी हर आसपास के क्षेत्र में मैच देखने के लिए पहुंच जाते हैं। मैच का अवलोकन कर रहे हैं प्रसिद्ध पत्रकार प्रदीप जी लड़ा और साथ में बैठे हैं प्रतियोगिता के आयोजक और प्रसिद्ध क्रिकेट प्लेयर सुनील जी बबेरवाल। बहुत बेहतरीन आयोजन आपके द्वारा किया गया, पूरे रतनगढ़ या आसपास के क्षेत्रों में इसकी सराहना हो रही है। प्रदीप जी लड्डा के बारे में बता दूं, बहुत मशहूर खिलाड़ी रहे क्रिकेट के, कोलविन खेल चुके हैं, डूंगरपुर शील्ड खेल चुके हैं, इस समय रतनगढ़ के जालान बॉयज कॉलेज के इस क्रिकेट मैदान पर सेकंड सेमीफाइनल चल रहा है जिसकी एक पारी हो चुकी है। अरावली क्रिकेट एकेडमी जयपुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, 154 रन बनाए, 155 का लक्ष्य रहा और आधे से ज़्यादा रन एक ऐसे खिलाड़ी ने बनाया जो कि आईपीएल खेल चुके हैं दिल्ली डेविल्स की तरफ से, राजस्थान के रणजी प्लेयर हैं। 81 रनों की शानदार पारी विवेक यादव ने खेली और इस समय मेरे साथ है, आप जिनको टीवी पर बहुत बार आईपीएल में देख चुके हैं उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत विवेक, ये बहुत शानदार पारी खेली, कितना मज़ा आया पारी के दौरान? काफ़ी अच्छा लगा बैटिंग करते हुए और हमारे दो तीन विकेट जल्दी गिर गए थे तो उस समय खड़े रहना इम्पोर्टेंट था तो अच्छा लगा और बॉलिंग भी सामने से काफ़ी अच्छी हो रही थी तो इम्पोर्टेंट थी इनिंग। विवेक, आपके बारे में जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्रिकेट कैरियर की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई? क्रिकेट मैं जब 15 साल का था, 10वीं क्लास में था, तब मैंने पहली बार क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तब मुझे नहीं पता था कि आगे कहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, उसके बाद बहुत लंबी कहानी है, बहुत उतार चढ़ाव रहे लाइफ में, बट अब मैं क्लब एकेडमी चला रहा हूँ और साथ में बच्चों के साथ खेलता हूँ। मैं रणजी में पहला मौका आपको कब मिला था? मैं अंडर 19 टीम के लिए सिलेक्ट हुआ था, उसी साल रणजी ट्रॉफी में मुझे पहला चांस मिल गया था। सन मेरे को याद नहीं है वो, लेकिन उस साल मैं डेज की टीम में था और वनडे मैच में खेला था। आपको अंतर्राष्ट्रीय में भारतीय टीम में मौका नहीं मिला लेकिन जब आईपीएल के लिए आप सेलेक्ट हुए उस समय किस तरह की फीलिंग थी? वो फीलिंग तो बताई नहीं जा सकती, वो अमेजिंग फीलिंग थी, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा जो रणजी ट्रॉफी हम चैंपियन बने थे वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुखद अनुभव, उसमें आपका योगदान भी बहुत अच्छा रहा। हाँ जी, हमारा वो पूरा टीम का कॉन्ट्रीब्यूशन, उस समय माहौल इतना अच्छा था कि वो तो मतलब यादगार समय, लाइफ टाइम की मेमोरीज हैं वो। बिल्कुल विवेक, अभी आप क्या कर रहे हैं, कोचिंग ही दे रहे हैं या और कोई प्रयास भी हो रहा है? नहीं, अभी मैं कोचिंग दे रहा हूँ, मेरी एकेडमी चल रही है जयपुर में अरावली क्रिकेट क्लब के नाम से, उसी की टीम हमारी यहाँ पार्टिसिपेट करने आई हुई है और साथ में फिर आरसी के साथ जो काम करने का मौका मिलेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपको बता दूँ, मूल रूप से स्पिनर गेंदबाज हैं, बैटिंग कम करते हैं लेकिन बैटिंग में भी जब मौका मिलता है तो हाथ दिखा देते हैं। आपका बेस्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है विवेक का रणजी टीम में और साथ में आईपीएल में भी? रणजी ट्रॉफी में तो मेरा 6 विकेट है रेलवेज के अगेंस्ट, जो बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस है, और आईपीएल में मैं मैच नहीं मिला था मुझे, तो मैं टीम में था। ये थे विवेक यादव जिन्होंने बताया कि
दसवीं क्लास में थे उस समय क्रिकेट करियर की शुरुआत कर दी थी। पता नहीं था कि कैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर राजस्थान की रणजी टीम में जगह बनाई और राजस्थान को रणजी चैंपियन बनाने में विवेक यादव का बड़ा योगदान रहा। IPL में आप सेलेक्ट हुए, डेल से आपको खरीदा, लेकिन मैच खेलने का मौका नहीं मिला। बहुत अच्छे खिलाड़ी और वर्तमान में अरावली क्रिकेट अकेडमी के नाम से खिलाड़ियों को तराशते हैं जिस टीम में इस समय विवेक यादव खेल रहे हैं। क्रिकेट का पूरा मजा ले रहे हैं रतनगढ़ के क्रिकेट प्रेमी। बहुत शानदार आयोजन और दर्शकों ने इसका पूरा लुत्फ लिया है। सालासर की टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है और पुजारी परिवार भी मैच का मजा ले रहे हैं। 155 के लक्ष्य का पीछा करेगी सालासर की टीम फाइनल में पहुंचने के लिए और दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पर जा रहे हैं खेलने के लिए। सलामी बल्लेबाज के रूप में आशीष और जहीर आए हैं। आशीष स्ट्राइक पेंड हैं और नॉन स्ट्राइक पे हैं जहीर। सालासर के दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पे, आशीष स्ट्राइक पे हैं, नॉन स्ट्राइक पे हैं जहीर। मैच जीतने के लिए 155 का लक्ष्य है निर्धारित 20 ओवर में, यानी 120 गेंदों पर 155 बनाने हैं सालासर को अरावली क्रिकेट क्लब जयपुर के खिलाफ। अगर जीतेंगे तो कल फाइनल में गंगानगर से खेलेंगे। जो टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंचेगी। इसी बीच पहली गेंद जिसको हल्के से खेलना चाहते थे, बीट हुए पेड़ पे गेंद लगी। अगली गेंद राइट हैंड हल्के से पुश किया गेंद को। पहला ओवर चल रहा है। सालासर के बल्लेबाज 155 के लक्ष्य का पीछा करने के लिए क्रीज पे उतरे हैं। शॉर्ट पिच गेंद थी, कट कर दिया गेंद को और गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। पॉइंट और गली के फील्डर के बीच से गेंद को निकाल दिया था आशीष ने। सालासर के रनों का सिलसिला शुरू हुआ शानदार चौके के साथ, बहुत खूबसूरत कट किया था। अगली गेंद अपील, जोरदार अपील करते हुए आप देख रहे हैं, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। अगली गेंद ड्राइव कर दिया गेंद को, हवा में गेंद जा रही, कोई फील्डर नहीं, गेंद जा रही है लोगों बाउंड्री की तरफ, गेंद के पीछे गेंद सिमरे के बाहर 4 रन के लिए। शानदार शॉट ऑन द राइज खेला खूबसूरती के साथ आशीष की बेहतरीन बल्लेबाजी। पहले ओवर में 2 चौके ठोक डाले हैं, शानदार शॉट था ये। फ्रंट फुट पे गए थे, ऑन द राइज खेला खूबसूरती के साथ। अगली गेंद रक्षात्मक ढंग से पुश किया बहुत सुंदर अंदाज में, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। नो बॉल का इशारा हुआ इसी बीच और एक मौका यहां पर फ्री हिट। अगली गेंद बोल्ड कर दिया लेकिन ये मौका था, फ्री हिट था, खतरा नहीं था बैट्समैन के पास, इसलिए बाल बाल बचे क्योंकि ब्लाइंड हिट किया था फ्री हिट पर। यह होता फ्री हिट का फायदा। गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विवेक यादव, राजस्थान के रणजी खिलाड़ी, IPL प्लेयर। जैसा मैं बता चुका हूँ मूल रूप से गेंदबाज ही है, राजस्थान में एक गेंदबाज के रूप में खेलते थे। आज 81 रन की शानदार पारी खेली और कोच है, डायरेक्टर हैं इस एकेडमी के। विवेक यादव तैयार गेंद करने के लिए और जाहिर सामना करेंगे। विवेक यादव की पहली गेंद, अच्छी गेंद, अपील करते हुए LBW की पहली गेंद पर कड़ी परीक्षा लेते हुए बल्लेबाज जाहिर की। लेग स्टंप के बाहर की तरफ निकल रही थी गेंद, इसलिए एम्पायर ने नकारा। विवेक यादव की अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, मजबूर क्या बल्लेबाज को रक्षात्मक ढंग से खेलने पर। 9 रन बने हैं एक ओवर के बाद, दूसरा ओवर चल रहा है। 155 का लक्ष्य है सालासर के सामने। विवेक यादव अगली गेंद और फिर लपेटने का प्रयास, कोई मौका नहीं दे रहे हैं क्योंकि रणजी ट्रॉफी खेलना कोई तुक्का नहीं, IPL में सेलेक्ट होना कोई तुक्का नहीं है, कुछ प्रतिभा है इस खिलाड़ी में। और आप देख रहे हैं बल्लेबाज के आक्रमण को निस्तेज कर रहे हैं लगातार। जाहिर बार बार हिट करना चाहते हैं। अगली गेंद आज बाहर निकाल दिया, कोई मौका नहीं, डी स्क्वायर लेग और फाइले के बीच से गेंद सिमारे का के बार 4 रन। खराब गेंद थी, शॉर्ट बॉल प्लन थी इस बार, छोटी गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, घूम के मारा जाहिर ने 4 रनों के लिए पहला चौका जाहिर के बल्ले का और कुल स्कोर पहुंचा 13 रन। विवेक एक बार फिर आई गेंद की,
एक और शॉर्ट पिच गेंद कट कर दिया गेंद को, लेकिन वहां पर कवर में फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। यह गेंद भी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए पूरी तरह से जाहिर। विवेक की अगली गेंद, ड्राइव गया हवा में, गेंद जा रही है फील्डर वहां पर, फील्डर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। विवेक यादव की गेंदों पर शानदार 2 बाउंड्री लगा दी है। पहले बल्लेबाज पर हावी थे विवेक यादव, लेकिन जाहिर ने जोरदार जवाब दिया उनका। 2 ओवर की समाप्ति पे साला सर ने 19 रन बना लिए हैं, बहुत शानदार शुरुआत है मैं कहूंगा। अब आ रहे हैं शोभित मिश्रा गेंदबाजी करने के लिए, कप्तान। बता दूं, एक डी पॉइंट है, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक मिड ऑफ, एक मिड ऑन कवर पॉइंट, थर्ड मैन। शोभित मिश्रा गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं इस फील्डिंग के साथ। पुनः बता दूं, ऑफ साइड में एक थर्ड मैन है, एक पॉइंट है, एक कवर है, एक एक्स्ट्रा कवर है, एक मिड ऑफ है, यानी एक दीवार सी खड़ी कर दी ऑफ साइड में। ऑन साइड में मिड विकेट, मिड ऑन, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक डीप स्क्वायर लेग इस फील्डिंग के साथ। शोभित मिश्रा कप्तान। आई गेंद की बहुत अच्छी गेंद, चूके पूरी तरह से बल्लेबाज खेलने के प्रयास में। बहुत ही सुहावना मौसम है, तेज चटक धूप खिली हुई, बिल्कुल साफ आसमान, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, क्रिकेट के अनुकूल वातावरण, सैकड़ों लोग क्रिकेट का मजा लेते हुए। शोभित मिश्रा आशीष को चूके एक बार फिर कट करने के प्रयास में। अच्छी गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी, और मैंने पहले ही कहा इस विकेट पर, इस मैटिंग विकेट पे तेज गेंदबाजों को ही मदद मिल सकती है अगर आप अच्छी लेंथ से गेंदबाजी करें। और शोभित ने लगातार 2 स्टंप ऑफ स्टंप पे अच्छी तेज गेंदें डाली और बल्लेबाजों को छगाया। शोभित मिश्रा का बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन भी है, युवा गेंदबाज। एक बार फिर आशीष को अच्छी गेंद, हल्के से खेल दिया गेंद को, थर्ड मैन की तरफ गेंद जा रही है, जब तक फील्डर गेंद को उठाए फील्ड करें, 1 रन पूरा किया। कप्तान शोभित दौड़ते हुए आए, जहीर को गेंद करेंगे। ओह अच्छी गेंद चुके इस बार, विकेट कीपर के करीब से निकली, थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। सालासर को जीतने के लिए 155 रनों की चुनौती मिली है जयपुर से। जहीर जिन्होंने 10 नंबर की टी शर्ट पहन रखी है। शोभित की गेंद, अच्छी गेंद, हल्के से खेला गेंद को, कवर्स में फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। जैसा मैंने बताया, देखिए एक दीवार सी खड़ी करके ऑफ साइड में, ये देखिए 5 फील्डर आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें एक पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ। अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, और ये मिस फील्ड हुआ वहां पर, विकेट की फंसे, नतीजन दौड़कर 1 रन पूरा किया गया, बाई का इशारा एम्पायर का। 3 ओवर की समाप्ति पे साला सर का स्कोर 21 रन 7 के औसत से। दीपक को लाया गया गेंदबाजी के लिए, बहुत लंबा रनअप दौड़ते हुए आ रहे हैं गेंद करने के लिए। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, मजबूर क्या बल्लेबाज को रक्षात्मक ढंग से खेलने पर। अच्छी शुरुआत, सदीवी शुरुआत दीपक की। जयपुर के युवा तेज गेंदबाज हैं और राजस्थान के लिए अंडर 19 खेलते हैं दीपक। एक राजस्थान के दीपक चाहर है जो भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं। दीपक लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद चुके खेलने के प्रयास में, और काफी देर के बाद अपील की, एम्पायर की तरफ देखा, जिसमें उत्साह था, विश्वास नहीं था। दीपक शानदार तेज गेंदबाजी का प्रदर्शन, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बहुत बढ़िया गेंद, शानदार गेंद अंदर आती हुई पेड़ पर जाकर टकराई, बेहतरीन तेज गेंदबाजी का प्रदर्शन। मैंने पिछली रिपोर्ट में भी बताया है कि मैटिंग विकेट है जहां पर नई गेंद से तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, गेंद गिरने के बाद तेज आती है, और आपने देखा पहली पारी में भी शुरुआत में तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अगर लाइन और लेंथ से आप गेंदबाजी करें तो किसी भी बल्लेबाज को खामोश रख सकते हैं। एक बार फिर से दीपक, जयपुर के तेज गेंदबाज, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आ रहे हैं। जहीर को बहुत बढ़िया गेंद, इनसाइड एज लगा, शॉर्ट फाइनल लेग पे गई, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। दीपक एक बार फिर आई गेंद की, बल्ले का पारी किनारा लेकर गेंद आ रही है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। बल्ले का बारी किनारा था, अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर के लिए मौका नहीं था, 4 रन मिले साला सर को। अगर पहली स्लिप पे कोई फील्डर होता तो उनके लिए एक मौका था। स्कोर बन चुका है 25 रन,
तो दीपक जहीर के पारी का चौथा ओवर चल रहा है, 155 का लक्ष्य है मैच जीतने के लिए। दीपक एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर से पेड़ पे टकराई, अच्छी गेंदबाजी, एक चौका लगा है, वो भी एक मौका था, अगर स्लिप होता तो निश्चित रूप से बल्लेबाज को पेविलियन जाना पड़ता। ओवर समाप्त हुआ, बेहतरीन ओवर दीपक का। अगली गेंद, ओ बाउंसर थी, हेलमेट के करीब से निकली, बहुत तेज गेंद थी ये, 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और चेताया बल्लेबाज को कि सावधान रहे। अगली गेंद, बहुत शानदार गेंदबाजी, बहुत बेहतरीन तेज गेंदबाजी का प्रदर्शन हो रहा है। सौभित मिश्रा गेंदबाजी कर रहे हैं, कप्तान अरावली क्रिकेट क्लब जयपुर के, और दीपक ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी। सौभित की गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद, हल्के से खेल दिया गेंद को गली की तरफ, विवेक यादव ने गेंद को फील्ड किया, तब तक दौड़कर एक रन आसानी से पूरा किया। सौभित मिश्रा एक बार फिर आए गेंद की, और कट कर दिया, थर्ड मैन पे मौका हो सकता है, गेंद आ रही है 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। कमाल का छक्का था ये, बल्ले का मुंह खोल दिया था थर्ड मैन के ऊपर से 6 रन के लिए। बता दूं ये छक्का एक मोटरसाइकिल को जाके लगा, जैसे मोटरसाइकिल डैमेज हो गई। अगली गेंद, बोल्ड कर दिया है, शानदार गेंदबाजी, जाहिर बोल्ड होकर आ रहे हैं, मिडिल स्टंप उखाड़ दिया, देखिए दो ही विकेट खड़े हैं, बीच का विकेट 5 फीट दूर जाकर गिरा, ये देखिए यहाँ पर गिरा है विकेट, एम्पायर उठाकर ले जाते हुए विकेट को। अभी मिश्रा की तेज गेंद 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिडिल स्टंप से जाके टकराई, और साला सर का विकेट उखाड़ दिया जयपुर ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी करें, रन अप चुके इस बार सौभित मिश्रा जो कि कैप्टन है जयपुर के। सौभित हाई गेंद की, बहुत अच्छी गेंद, ये कैच छूटा विकेट कीपर के द्वारा, बल्ले का बारी किनारा लिया था, शानदार गेंदबाजी सौभित मिश्रा की, विकेट कीपर ने दूसरे प्रयास में पकड़ने का प्रयास किया, नहीं ले पाए और कैच ड्रॉप हुआ। ठीक है, 7-5 ओवर खत्म हुए, सालासर का स्कोर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस समय स्कोर है सालासर का 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर, आउट होने बल्लेबाज जाहिर जिनको बोल्ड कर दिया था दीपक। ये गेंद, अच्छी गेंद, बहुत लुभावने अंदाज में रक्षात्मक ढंग से पुश किया, खुद गेंदबाज दीपक ने जाकर गेंद को उठाया, फील्ड किया, कोई रन नहीं। अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद है इस बार, फिर से विकेट कीपर के लिए मौका था, गेंद निकल गई 4 रन के लिए, फाइनल एक बाउंड्री के बाहर, फ्लिक किया था विकेट कीपर के बिल्कुल करीब से, निकाल दिया गेंद को 4 रनों के लिए, एक मुश्किल सा मौका था विकेट कीपर के लिए, 2 मुश्किल मौके गंवा चुके हैं विकेट कीपर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं निश्चित रूप से दीपक, एक दीपक राजस्थान के, दीपक चाहर जो भारतीय टीम के लिए अभी खेल रहे हैं। अगली गेंद, अच्छी गेंद, मोड़ दिया गेंद को स्क्वेयर लेग एम्पायर की बगल से, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वेयर लेग की तरफ, 1 रन जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। रतनगढ़ के जालान बॉयज कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पर इस समय ये प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। मैं शिव कुमार तिवारी आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत करता हूँ। विनय स्ट्राइक पर है, विनय सामना करेंगे दीपक की गेंद का, खेलने के लिए तैयार। दीपक ने दौड़ना शुरू किया, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, विकेटों पे पहुंचे, गेंद की बहुत बड़ी बाउंसर थी, जोरदार अपील हो रही है, अभी भी अपील कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन शरीर से गेंद टकराई थी, आवाज जरूर हुई थी, बाउंसर था ये, बहुत अपील, अभी भी सारे खिलाड़ी अपील कर रहे हैं, लेकिन एम्पायर पर अपील का कोई प्रभाव नहीं, कोई असर नहीं। शानदार तेज गेंदबाजी का प्रदर्शन, मैंने पिछली रिपोर्ट में पहले ही बताया है कि तेज गेंदबाजों के लिए मैटिंग विकेट पर बहुत मदद होती है, और खासतौर से नहीं कि जब गेंद होती है, और आप देख रहे हैं मेरी पिछली रिपोर्ट बिल्कुल सही चल रही है। विनय को परेशान करते हुए लगातार दीपक, एक बार फिर तैयार गेंद करने के लिए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, आई गेंद की, शानदार गेंदबाजी, तेज गति की गेंद थी, देखते रह गए, और गेंद शताब्दी एक्सप्रेस की तरह उनके करीब से निकल गई, 130 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। शानदार तेज गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए दीपक और मिश्रा दोनों,
एक बार फिर विनय सामना करेंगे दीपक का। दीपक तेज कदमों से दौड़ते हुए पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद, इस बार पूरे विश्वास के साथ रक्षात्मक ढंग से पुश कर दिया। कवर्स में फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। शानदार ओवर की समाप्ति। गेंदबाजी करने के लिए पुनः स्पिनर विवेक यादव आ रहे हैं, आईपीएल प्लेयर जिन्होंने शुरुआत में गेंदबाजी की थी, लेकिन चार अच्छी गेंद के बाद दो लगातार बाउंड्री लगी थी उनको, तो अपने आप को गेंदबाजी से हटा लिया था। एक बार पुनः आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और इसमें थोड़ा सा दबाव बनाए गए हैं सालासर के बल्लेबाजों पर। विवेक की गेंद, अच्छी गेंद थी, उछाले थी गेंद, पुश किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। कलाबाजी खाते विकेट कीपर यहाँ पर विवेक, एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद, फिर से मजबूर किया, एक तेज कदमों से दौड़ा गया रन, जैसे देखा कि गेंद धीरे धीरे जा रही फील्डर की तरफ, अवसर का फायदा उठाया, एक रन चुरा लिया। आंखों से काजल चुराने वाली कहावत चरितार्थ होती हुई, फील्डर के सामने खेलकर एक रन चुराया बैट्समैन ने। विवेक राइट अमोर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद, बैट्समैन के समझ में नहीं आई गेंद बिल्कुल भी, टर्न होकर अंदर की तरफ आई। लेग स्पिनर हैं विवेक यादव, एकेडमी के डायरेक्टर हैं, कोच हैं। एक बार फिर गेंद की, बहुत अच्छी गेंद, समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज, स्वीप करना चाहते थे लेकिन बिल्कुल भी बल्ले पर नहीं आई, शरीर से टकराई। दबाव बना रखा है जयपुर के गेंदबाजों ने और दबाव का फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर विवेक यादव, लगातार परेशान करते हुए बैट्समैन को। बहुत अच्छी गेंद, हल्के से मोड़ दिया गेंद को और गली की तरफ फील्डर मौजूद, एक रन दौड़कर पूरा किया गया। विवेक एक बार फिर से तैयार, यह गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, कोई मौका नहीं, सटीक गेंदबाजी हो रही है, विकेट टू विकेट, ऑफ स्टंप पर गिरकर गेंद अंदर की तरफ आ रही है, बैट्समैन के पास कोई आज़ादी नहीं स्ट्रोक लगाने की। सात ओवर की समाप्ति के बाद इस समय सालासर का स्कोर है 39 रन, 155 का लक्ष्य है। इसी बीच नए ओवर की पहली गेंद लेकर आ रहे हैं गेंदबाज, परिवर्तन गेंदबाजी में विनोद को लाया गया गेंदबाजी के लिए, लंबे कद के गेंदबाज बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, ओवर द विकेट गेंद करेंगे विनय को, राउंड द विकेट आए हैं, विकेट और एम्पायर के बीच से नीचे रहती गेंद, गेंद को मिडो पर खेला विवेक यादव मौजूद, कोई रन नहीं। राउंड द विकेट, विकेट और एम्पायर के बीच से निकलकर गेंदबाजी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट, अच्छी गेंद, मोड़ दिया गेंद को गली की तरफ, तेज कदमों से एक रन पूरा करते हुए सीधा थ्रो लगाया और आउट, रन आउट करार दिया गया एम्पायर के द्वारा, जोखिम भरा रन था, फील्डर के हाथ में गेंद थी, दौड़ पड़े, सीधा थ्रो लगा और इसी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट होकर जा रहे हैं बल्लेबाज। 39 के योग पे दूसरा विकेट गंवा दिया सालासर ने, मैं पहले कह चुका हूं दबाव बना रखा है जयपुर ने सालासर के बल्लेबाजों पर। रन आउट के रूप में अभी भी सालासर ने एक विकेट गंवाया है। विनोद गेंदबाजी कर रहे हैं, नए बल्लेबाज क्रीज पर हैं। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, कट करना चाहते थे, चूके पूरी तरह से खेलने के प्रयास में। अगली गेंद, अच्छी गेंद, मोड़ दिया गेंद को पॉइंट की तरफ, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। अगली गेंद विनोद की और बल्ले का बारी किनारा लगा, गेंद आ रही है थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, चार रन के लिए। इस तरह की चार बाउंड्री सालासर को मिल चुकी है बल्ले के किनारे से लगकर, स्कोर पहुंच चुका है 43 रन, दो विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, ओ चुके इस बार, आठ ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है 43 रन, सालासर दो विकेट के नुकसान पर, 155 रनों का लक्ष्य है। विवेक यादव की गेंद, बोल्ड कर दिया इसी के साथ, बेहतरीन गेंदबाजी, पिछले ओवर में लगातार परेशानी में रखा था आईपीएल प्लेयर, पहले बल्ले से और अब गेंद से चमकते हुए। सालासर का तीसरा विकेट गिर चुका है और जयपुर की टीम मैच पर पकड़ बनाती हुई इस समय। शानदार
गेंदबाजी, पहले तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और अब विवेक यादव अपने दूसरे स्पेल में कहर बरपा रहे हैं। विवेक यादव एक बार फिर तैयार गेंद करने के लिए, शानदार विकेट लेने के बाद अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, मजबूर किया बैट्समैन को रक्षात्मक ढंग से खेलने पर। विवेक एक बार फिर आई गेंद की, बहुत अच्छी गेंद करते हुए, कंजूसी भरी गेंदबाजी, पूरी तरह से खामोश कर रखा है बल्लेबाजों को, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और इस ओवर में एक शानदार विकेट ले चुके हैं, बोल्ड कर दिया था बल्लेबाज को। विवेक आई गेंद की, फिर से अच्छी गेंद, हल्के से गला रन लेना चाहते हैं लेकिन जैसे देखा फील्डर गेंद पे झपट रहे, अपने बड़े कदमों को वापस खींचा क्रीज में। अगली गेंद और हवा में खेला, शानदार कैच वहां पर, विवेक यादव ने दूसरा विकेट प्राप्त किया, बेहतरीन कैच, गेंद पर चीते की तरह झपटे और बिल्कुल जमीन पे गिरते हुए कैच को लपक लिया और इसी के साथ सालासर का चौथा विकेट गिरा। विवेक यादव ने इस ओवर में दूसरा विकेट हासिल किया, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन कैच। ये देखिए जीत का जस्ट यहाँ पर, विकेट का जस्ट माफी चाहता हूँ, जीत तो अभी थोड़ी दूर है। बल्लेबाज आदित्य आए खेलने के लिए, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी आज सालासर की तरफ से। विवेक यादव की कहर बरपाती गेंदबाजी, दो विकेट इस ओवर में ले चुके हैं। एक बार फिर आदित्य को गेंद करेंगे, अच्छी गेंद, रक्षात्मक ढंग से खेलने पर मजबूर करते हुए बल्लेबाजों को। ओवर समाप्त हुआ, विवेक यादव का दो विकेटें हासिल की इस ओवर में, शानदार हरफनमौला प्रदर्शन, पहले 81 रन की पारी खेली और अब गेंद से अपने जौहर दिखाते हुए। इसी बीच अगली गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, अपील करते हुए वहां पर विकेट उड़ा दिए थे विकेट कीपर ने, स्टंपिंग के अपील की थी लेकिन एम्पायर ने नकारा। इसी बीच गेंद ड्राइव कर दिया गेंद को मिड विकेट की तरफ, दो दो फील्डर आ रहे हैं गेंद को रोकने के लिए, आसानी से गेंद को रोका। इसी बीच दौड़कर सालासर के बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। अगली गेंद, कट कर दिया गेंद को, बहुत शानदार फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग डाइव करते हुए, निश्चित रूप से चौका बचाया। 155 का लक्ष्य है सालासर के सामने और इस समय स्थिति नाजुक नजर आ रही है सालासर की, बोल्ड कर दिया। इसी के साथ आया राम गया राम की कहावत को चरितार्थ करते हुए सालासर के बल्लेबाज, कप्तान खुद जा रहे हैं पुजारी खेलने के लिए। पांचवा विकेट खो दिया है सालासर ने, बहुत घातक गेंदबाजी, ये देखिए जश्न देखिए यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं कप्तान रोहित पुजारी आए हैं खेलने के लिए। विनोद की शानदार गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद, नीची रहती हुई गेंद, बोल्ड हो गए थे पिछले बल्लेबाज। 10वां ओवर चल रहा है, 44 पे 5 विकेटें गिर चुकी हैं और खतरे के गहरे बादल मंडरा रहे हैं सालासर की टीम पर। हालांकि आसमान में बादल नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ है लेकिन सालासर की टीम पर हार के गहरे बादल मंडरा रहे हैं, संकट के गहरे बादल मंडरा रहे हैं। 5 विकेटें 44 पे गिर चुकी हैं और लक्ष्य से बहुत दूर है अभी, 155 का लक्ष्य है, 111 रन और चाहिए, केवल 5 विकेटें शेष हैं। विनोद गेंद करेंगे कप्तान रोहित पुजारी को, कप्तान रोहित सामना करेंगे, विकेट कीपर आप देख रहे हैं बैठे हैं विकेटों के पीछे, बहुत शानदार गेंदबाजी हो रही है इस समय। विनोद की अगली गेंद, कट कर दिया, हवा में थी गेंद लेकिन गली में खड़े विवेक यादव से थोड़ा पहले गिर गई थी, शानदार फिरकी गेंदबाजी पहले विवेक के द्वारा और विनोद भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए। विनोद अच्छी गेंद, बैकफुट पे आके हल्के से पुश किया और इसी के साथ 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर है 45 रन, यानी अब 10 ओवर में 110 रन चाहिए, 11 का औसत चाहिए और केवल 5 विकेट हाथ में हैं, बहुत मुश्किलें हैं अब सालासर के लिए, राहें आसान नहीं हैं। विवेक यादव मुश्किलें पैदा कर रहे हैं सालासर के लिए, पिछले ओवर में 2 विकेटें हासिल की थी, एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आ गए हैं। आज 81 रन की शानदार पारी खेली थी विवेक यादव ने और गेंदबाजी में भी कहर बरपा रहे हैं।
आई गेंद की, बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी विकेट के ऊपर से निकल गई, बाल बाल बचे बल्लेबाज आदित्य, बहुत मुश्किल से बचे, विकेट के जरा सा ऊपर से गेंद निकल गई थी। बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए विवेक यादव एक बार फिर आदित्य को ड्राइव कर दिया इस बार, लेकिन मौजूद है मिड विकेट पे फील्डर, मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार बन गए हैं, कोई नहीं रोक सकता विवेक को मैन ऑफ द मैच बनने से, अपनी बल्लेबाजी से ही बन गए थे और गेंदबाजी में भी। ओ लेग स्टंप के बाहर निकली इस बार गेंद, वाइड का इशारा एम्पायर का, क्योंकि लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी। विवेक एक बार फिर आई गेंद की और उछा दिया है, आसान कैच हो सकता है, वहां पर फील्डर मौजूद है और आउट, आसान कैच लपका, विवेक यादव को तीसरा विकेट मिला, छह विकेट खो दिए हैं साला सर ने, बधाइयां देते हुए सभी विवेक यादव को। रोहित पुजारी भी वापस लौट गए हैं शून्य पर, इसलिए मैं कह रहा हूं आया राम गया राम के कहावत चरितार्थ हो रही है, राजस्थानी में कहते हैं मायो तू चाल। पुजारी ने बहुत ऊंचा शॉट खेला था, लंबा शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री लाइन पर पकड़ लिए गए। नए बल्लेबाज क्रीज पर आ रहे हैं श्रवण, विवेक यादव किसी भी बल्लेबाज को टिकने नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि रणजी ट्रॉफी और आईपीएल खेलना तुक्का नहीं होता है, आप में कुछ टैलेंट होता है तभी आप इस मुकाम पे पहुंचते हैं। अगली गेंद, और इस बार ड्राइव करना चाहते थे, ठीक से नहीं खेल पाए, खुद विवेक यादव गए गेंद को उठाने के लिए, फील्ड किया वापस अपने बॉलिंग मार्क पर विवेक, तीन विकेट ले चुके हैं। अगली गेंद और निकाल दिया गेंद को, एम्पायर से टकराई गेंद जाकर, एम्पायर से जाकर गेंद टकराई, दौड़कर एक रन पूरा किया गया। विवेक यादव एक बार फिर अच्छी गेंद, रक्षात्मक ढंग से पुश किया, ओवर समाप्त हुआ इसी के साथ। दीपक माफी चाहता हूँ रोहित, विवेक यादव का एक और सफल ओवर समाप्त हुआ, तीन विकेटें प्राप्त कर चुके हैं और बल्लेबाजी में 81 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। गेंदबाजी में परिवर्तन, अशोक को लाया गया गेंदबाजी के लिए। वाह क्या गेंदबाजी है, बहुत खतरनाक गेंदबाजी तेज गेंदबाजों की, देखिए किस तरह से पटकी हुई गेंद डाली, बाउंसर पहली गेंद और लंबे कद के बल्लेबाज आदित्य के सीने की तरफ आई, बहुत मुश्किल से खेला, बहुत शानदार तेज गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर जयपुर के गेंदबाज अशोक, लंबे कद के गेंदबाज, बहुत शानदार बॉलिंग एक्शन देखिए उनका, बहुत अच्छी गेंद थर्ड मैन की तरफ स्टीयर कर दिया है, फील्डर मौजूद वहाँ पर, देखिए अशोक का गेंदबाजी का एक्शन है कर्टनी वॉल्स की तरह, वेस्ट इंडीज के पुराने गेंदबाज 80s 90s में जो खेलते थे, जिन्होंने पहले की क्रिकेट देखी वो जानते होंगे, वॉल्स की तरह गेंदबाजी एक्शन है उनका, हाई आर्म एक्शन है ये, देख बहुत अच्छी गेंद, बाल बाल बचे, विकेट के बहुत करीब से निकल गई थी गेंद, शानदार गेंदबाजी। जयपुर के ये वो खिलाड़ी हैं जो राजस्थान के लिए खेलते हैं अंडर 19 अंडर 17। अशोक एक बार फिर आई गेंद की, बहुत अच्छी गेंद, फिर से रक्षात्मक ढंग से पुश किया, शानदार हाई आर्म एक्शन, अशोक की अगली गेंद और ये हवा में, फील्डर गेंदबाज के करीब से निकली, कॉट एंड बोल्ड का प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हुए। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 12 ओवर की समाप्ति पे सालासर की टीम का स्कोर है इस समय 49 रन 6 विकेट के नुकसान पर सालासर। विनोद एक बार फिर तैयार गेंद करने के लिए, अच्छी गेंद, रक्षात्मक ढंग से खेला, अगली गेंद खेल दिया गेंद को, कवर बाउंड्री की तरफ गेंद गई, फील्डर मौजूद विनोद एक बार फिर आए गेंद की, अच्छी गेंद चूके इस बार खेलने के प्रयास में, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पिनर ने अब मोर्चा संभाल लिया है, पहले तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, विवेक और विनोद परेशान कर रहे हैं बल्लेबाजों को, फिर से अच्छे से नहीं खेल पाए थे
पॉइंट की तरफ खेला फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। सालासर की टीम गहरे संकट में इस समय, छह विकेटें गंवा चुकी है, राहें बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छी गेंद, फिर से चुके खेलने के प्रयास में, लगातार अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल खामोश कर रखा है बल्लेबाजों को, काफ़ी देर से बाउंड्री नहीं आ रही है, थर्ड मैन पे जरूर निकला था। अगली गेंद और बैकफुट पे आके खेला गेंद को, मिड विकेट की तरफ गेंद जाती हुई, फील्डर मौजूद वहां पर, और एक एक दो दो रन से चिंतित भी नहीं है जयपुर के खिलाड़ी, हालांकि दे भी नहीं रहे रन। ओवर समाप्त हुआ, 13 ओवर की समाप्ति पे 51 रन बने हैं, अभी भी 104 रन चाहिए जीतने के लिए, 104 रन चाहिए। अब 42 गेंदों पर बहुत मुश्किल काम हो गया है, 42 गेंदों पर 104 रन चाहिए और केवल 4 विकेटें हाथ में हैं। अशोक बाउंसर, शानदार गेंदबाज, सर के ऊपर से निकली गेंद, पहली बाउंसर की चेतावनी मिली है। लंबे कद के गेंदबाज हैं और हाई आर्म एक्शन यानी कंधे का इस्तेमाल करते हैं और गेंदों को उछाल देते हैं, और बल्लेबाजों के लिए पास भी मुश्किलें हैं। एक बार फिर आई गेंद की, देर से तेज गेंद चुके, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद थी, लगातार अपनी गति से बल्लेबाजों को परेशान करते हुए। अगली गेंद ब्लाइंड हिट और विकेट के पीछे थोड़ा मिस हुआ, लेकिन रन नहीं दौड़ा, और सालासर के बल्लेबाज जानते हैं भी कि यहाँ पर एक रन से काम चलने वाला भी नहीं है, क्योंकि 40 गेंदों पर 104 रन चाहिए, अब चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। एक रन दो रन ऊंट के मुंह में जीरे के समान है यहाँ पर सालासर के लिए। अशोक की अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, शानदार विकेट कीपिंग वहां पर, लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद को डाइव करके रोका, विकेट चाहे नहीं मिल रहा हो लेकिन अशोक की गेंदबाजी बहुत शानदार है, खूबसूरत बॉलिंग एक्शन और बिल्कुल गेंदों को स्टंप पर उछाल दे रहे हैं। और इस बार खेल दिया गेंद को मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, एक रन का मौका मिला। अशोक एक बार फिर आई गेंद की, बहुत अच्छी गेंद, बाल बाल बचे, ऑफ्टम के बाहर थोड़ी सी बाहर निकल गई गेंद, शानदार ओवर, ओवर समाप्त हुआ, 14 ओवर की समाप्ति, 14 ओवर की समाप्ति पर 52 रन बने हैं, जीतने के लिए 103 रन चाहिए 36 गेंदों पर, बहुत मुश्किल हो रहा है, केवल 4 विकेट हाथ में है सालासर के। ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद, मोड़ दिया गेंद को, इसको लेग एम्पायर की बगल में खेला, एक रन दौड़कर पूरा कर रहे हैं, सीधा थ्रो लगाया, अपील कर रहे हैं रन आउट की, लेकिन एम्पायर ने नकार दिया। सालासर के खिलाड़ियों को हर क्षेत्र में मात दे रहे हैं जयपुर के खिलाड़ी। अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद, हल्के से खेला गेंद को, गली की तरफ फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। अगली गेंद ड्राइव किया गेंद को मिडो पर, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। अगली गेंद फिर चुके, अगली गेंद चुके, स्टंप उड़ा दिए हैं, आउट, स्टंप कर दिया। एक ट्रेन निकल रही है स्टेडियम के पास से, सालासर का 7वां विकेट गिर चुका है, स्टंप कर दिया गया था। इस बार नए बल्लेबाज दिलशान आए हैं खेलने के लिए, 7 विकेटें गंवा दी हैं, अभी भी जीत से 103 रन दूर हैं, और अब नामुमकिन सा लग रहा है सालासर का इस मैच को जीतना, क्योंकि रनों का औसत बहुत ऊंचा चला गया है। अगली गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज, राउंड द विकेट, आई गेंद की आ चुके पूरी तरह से, ब्लाइंड हिट, बिना गेंद को देखे, इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 15 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 53 रन, 102 रन चाहिए, अब 5 ओवर में 30 गेंदों पर 102 रन चाहिए, केवल 3 विकेट हाथ में है सालासर के, एक तरफा मुकाबला हो गया है। विनोद गेंदबाजी कर रहे हैं, चूके है, इनसाइड एज लगा, रन लेने के लिए जा रहे, खतरा हो सकता है यहाँ पर, सीधा थ्रो नहीं लगा वरना रन आउट हो जाते हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं देवेंद्र, माफी चाहता हूं इस समय,
विनोद नहीं है, देवेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं। पुजारी सामना करेंगे, ये गेंद उठा दिया, हवा में जा रही गेंद, लेकिन नजदीक में कोई फील्डर नहीं है। जब तक बाउंड्री से फील्डर आए गेंद को उठाएं, एक आसान रन पूरा किया। अगली गेंद, चूके पूरी तरह से, विकेट कीपर ने बेल उड़ा दिए, स्टंप कर दिया और बल्लेबाज आ रहे हैं पवेलियन में। आठवां विकेट गिरा सालासर का। बेहद निराशाजनक बल्लेबाजी सालासर के बल्लेबाजों की, लगातार एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं। आठवां विकेट खो दिया है सालासर ने और पराजय निश्चित लग रही है सालासर की। जयपुर लगभग फाइनल में पहुंच चुका है, जहां पर कल इसी मैदान पर गंगानगर से मुकाबला होगा फाइनल में। ये गेंद चूके लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद थी और वाइड का इशारा किया एम्पायर ने, एक रन मिला। लेकिन ये एक रन फिर कहूंगा ऊंट के मुंह में जीरे के समान है सालासर के लिए। औपचारिकताएं शेष रह गई है मैच में, क्योंकि केवल दो विकेटें हाथ में हैं और अभी भी जीतने के लिए लगभग 100 रन चाहिए। कोई चमत्कार ही सालासर को मैच में ला सकता है। फ्लाइटेड गेंद थी, हल्के से खेला, एक रन के लिए दौड़ रहे हैं। अगली गेंद, फ्लाइटेड गेंद, उठा दिया गेंद हवा में, वहां पर बहुत अच्छा प्रयास, शानदार कैच, इसी के साथ एक और विकेट खो दिया है। इसको कहते हैं फील्डिंग, डाइव करके गेंद को लपक लिया और नौवां विकेट खो दिया है। शानदार फील्डिंग, जमीन पे गिरती हुई गेंद को लपक लिया, बेहतरीन कैच निश्चित रूप से। ऐसी फील्डिंग से मैच जीता जाता है, तभी क्रिकेट में कहते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच। आखिरी बल्लेबाज क्रीज पर जा रहा खेलने के लिए सालासर का, 9 विकेट गिर चुके हैं, 57 रन 9 विकेट के नुकसान पर खेलने के लिए नवीन आए हैं आखिरी बल्लेबाज के रूप में। बल्लेबाज का नाम, ये गेंद हल्के से खेला, 16 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 57 रन 9 विकेट के नुकसान पर, 98 रन चाहिए 24 गेंदों पर, केवल एक विकेट हाथ में। आखिरी जोड़ी क्रीज पर है, ये गेंद बल्ले का इनसाइड एज लगा, गेंद जा रही है फाइनल की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहा है, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर 61 रन पे पहुंचा है 9 विकेट के नुकसान पर। दीपक गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे नवीन। आखिरी जोड़ी क्रीज पर है, जयपुर लगभग फाइनल में पहुंच चुका है। दीपक आई गेंद करने के लिए, बोल्ड कर दिया और सालासर 61 पर ऑल आउट और जयपुर ने मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबला जीत लिया है यहां पर जयपुर की टीम ने, सालासर को एकतरफा रूप से पराजित कर दिया है। 61 रन पे ढेर हो गई है यहां पर सालासर की टीम, 155 का लक्ष्य था। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार वितरण हो रहा है और आयोजन कमेटी के प्रमुख सुनील जी बबेरवाल आईपीएल प्लेयर विवेक यादव को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दे रहे हैं, जिन्होंने 81 रन की शानदार पारी खेली और 3 विकेटें ली। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी का प्रदर्शन, यानी हरफन मौला प्रदर्शन किया, और मैन ऑफ द मैच का खिताब दे रहे हैं सुनील जी बबेरवाल, सिटी चैम के डायरेक्टर और इस टूर्नामेंट के आयोजक। ये था रतनगढ़ के जालान स्टेडियम से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर सिटी चैम्प के द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल खेला गया, जिसमें एकतरफा मुकाबले में जयपुर ने सालासर को 96 रन से पराजित किया। पहले बैटिंग करते हुए जयपुर ने टॉस जीतकर 154 रन बनाए, 155 के लक्ष्य का पीछा करते हुए सालासर की पूरी टीम केवल 61 रन पर ढेर हो गई। मैन ऑफ द मैच रहे जयपुर के, राजस्थान के टॉप प्लेयर, राजस्थान के रणजी प्लेयर, आईपीएल खेलने वाले विवेक यादव, जिन्होंने 81 रन बनाए और शानदार 3 विकेट हासिल की। ऐसे सुधागले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।